वांटेड 2 को 500 करोड़ी फिल्म क्यों माना जा रहा है, और वांटेड 2 का सीक्वल किस साउथ फिल्म का रिमेक हो सकता है, वांटेड 2 के लिए सलमान खान और मेकर्स के बीच क्या घमासान चल रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। प्रभु देवा डायरेक्टेड वांटेड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के साथ साथ सलमान खान के करियर को भी संवारने वाली फिल्म मानी जाती है। ये वही फिल्म थी जिससे सलमान खान दोबारा इंडस्ट्री में कमबैक करते हैं। पिछले एक साल से वांटेड 2 को लेकर आए दिनों कोई न कोई खबर आती ही रहती है। कई बार प्रभु देवा ने वांटेड 2 के बारे में जिक्र किया था। उनका मानना है कि वांटेड का सीक्वल जरूर बनना चाहिए। जब भी उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि वांटेड 2 कब बनेगी या कब आएगी, तो उन्होंने कहा कि अभी हम वांटेड 2 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। साथ में ये भी रिवील किया था कि वांटेड 2 को लेकर मेरी और सलमान खान को लेकर एक दो बार मीटिंग भी हुई। उस मीटिंग में सलमान खान ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। अगर अभी सलमान खान को देखें तो बहुत ज्यादा अपनी फिल्मों को लेके बिजी चल रहे हैं। सलमान खान ने दबंग 3 की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से दबंग 3 की शूटिंग को रोकना पड़ा। हालांकि भारत के अलावा भी सलमान खान के पास बहुत सी फिल्में हैं, लेकिन सलमान खान ने कभी खुलकर वांटेड 2 के बारे में कोई बात नहीं की। फिर भी लोगों को लगता था कि इस फिल्म में सलमान खान काम करेंगे, लेकिन अगर आने वाले 2 सालों के शेड्यूल को देखें तो सलमान खान के पास फिल्मों का अंबार लगा हुआ है। इसलिए मेकर्स ने वांटेड 2 के लिए टाइगर श्रॉफ को अप्रोच किया। कुछ लोगों का मानना है कि सलमान खान का करियर रेस 3 के कारण हल्का डगमगा गया है, इसीलिए वांटेड 2 के मेकर्स सलमान खान से किनारा करना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही है। कुछ लोगों का कहना है कि सलमान खान की उम्र हो गई है और इसीलिए मेकर्स उनसे किनारा कर रहे हैं, या फिर उनके जीवन के कंट्रोवर्सी को ध्यान में रखकर मेकर्स सलमान खान को कास्ट नहीं करना चाहते। और इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि सलमान खान के पास आने वाले 3 सालों तक किसी फिल्म को करने के लिए समय नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी किसी प्रोड्यूसर या फिल्म मेकर को हर्ट नहीं करते, इसलिए सलमान खान सबके भाई जान है। लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज को देखें तो फिल्मी गलियारों में वांटेड 2 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि वांटेड 2 में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट जानवी को कास्ट किया गया है। टाइगर श्रॉफ बागी 2 के सफलता के बाद उनका करियर उफान पर है। जब देखो टाइगर श्रॉफ कभी अपने लुक्स को लेकर, अपने बॉडी को लेकर, अपने मार्शल आर्ट को लेकर या फिर अपने डांस की वजह से युवाओं में चर्चा का विषय बने रहते हैं, और ये हो भी क्यों ना। जब से टाइगर की बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है, उसके बाद से फिल्म के प्रोड्यूसर्स की टाइगर को साइन करने की लाइन लगी हुई है। वहीं इसके साथ रैम्बो के रिमेक में भी ऋतिक रोशन के साथ नजर आएंगे। यदि वांटेड 2 में टाइगर होते हैं तो फिल्म की स्टोरी का फ्लेवर को बदलना पड़ सकता है, क्योंकि सलमान खान का अपना अलग स्टाइल है, लेकिन टाइगर श्रॉफ का एक अपना अलग अंदाज है। और वहीं दूसरी ओर जानवी की फिल्म धड़क जब से रिलीज हुई है, जानवी कपूर की तारीफें हो रही हैं। मगर देखा जाए तो इसके पीछे का सच कुछ और है। अगर जानवी श्रीदेवी की बेटी ना होती तो शायद ही कोई उन पर ध्यान देता या उनके ऊपर कोई बात करता। लेकिन अब वांटेड 2 के लिए जानवी की बात आ गई है, तो आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है कि जानवी कपूर टाइगर श्रॉफ के साथ रोमांस करती नजर आ सकती हैं। अगर हम टाइगर श्रॉफ की फिल्मों को देखें, तो उनकी फिल्मों में सेंट्रल पॉइंट कोई हीरोइन नहीं बल्कि खुद टाइगर श्रॉफ होते हैं, क्योंकि टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड इंडस्ट्री में 2 सुपरस्टार के नक्श कदम पे चलते हैं। पहला, जहां वो सलमान खान की तरह वन लाइनर डायलॉग को अपनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतिक रोशन की इमेज को ढालने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि वो बहुत अच्छे डांसर भी हैं, लेकिन वांटेड 2 में टाइगर के आने से वांटेड 2 को 500 करोड़ फिल्म क्यों कहा जाने लगा। सूत्रों की माने तो सलमान खान को वांटेड 2 से निकाला नहीं गया, बल्कि कहा जा रहा है कि उस फिल्म में उनका एक छोटा सा रोल हो सकता है, या यूं कहें कि सलमान खान का कैमियो हो सकता है। वो इस फिल्म में कैमियो करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु देवा और सलमान खान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। यदि किसी फिल्म में सलमान खान और टाइगर श्रॉफ हो तो वो फिल्म 500 करोड़ क्या, मुझे लगता है कि वो फिल्म आराम से 1000 करोड़ी फिल्म बन सकती है, क्योंकि देखा जाए तो सलमान खान की फ्लॉप फिल्में भी 300 करोड़ तक का कलेक्शन कर जाती हैं। अब बात आती है वांटेड 2 की कहानी की, तो सूत्रों की माने तो वांटेड 2 की कहानी किसी साउथ फिल्म की कहानी पर बेस्ड हो सकती है। वैसे देखा जाए तो वांटेड भी साउथ फिल्म की रिमेक थी। 1, 2, 3 सिनेमा घरों में अंधेरा होते ही सलमान खान का शो
शुरू होता है। सलमान खान की एंट्री होती है एक्शन सीन से एकदम दीवार के अमिताभ बच्चन की स्टाइल में। सलमान शटर गिराते हैं और उस पर गुंडे ताला लगा देते हैं। इसके बाद उन 20-25 आदमियों की सल्लू जोरदार तरीके से धुलाई करते हैं। धांसू एक्शन सीन के तुरंत बाद एक धांसू सा गाना आता है। गणेश जी की मूर्ति के सामने सलमान जलवा गाने पे ठुमके लगाते हैं। एक्शन और गाने से निर्देशक ने दिखा दिया कि राधे किस तरह का आदमी है। वो लोगों को गाजर मूली की तरह काटता है और भगवान के आगे सिर झुकाता है। राधे यानी कि सलमान खान एक शूटर है। उसके चमचे उसे ब्रूसली का नाना और रैम्बो का चाचा कहते हैं। एक डायलॉग भी है उस फिल्म में कि तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उसका हेडमास्टर मेरे से ट्यूशन लेता है। ऐसे घिसे पीटे डायलॉग वो बोलते हैं, पर जिस अंदाज में बोलते हैं दिल को छू जाता है। फिल्म में दिखाया गया कि पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ठहरिए जनाब, उसके भी कुछ उसूल थे। औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, जो काम पसंद आता है वही करता है। शराब और खून जब इच्छा हो तब पीता है, और वो भी दबा के। गुटके को वो मौत का सामान मानता है, और एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो फिर अपना भी नहीं सुनता। अधिकतर फिल्मों में हमने देखा है कि एक्शन के बीच रोमांस भी जरूरी है। इस गुंडे नाम शख्स के स्टाइल पर लड़कियां मरती हैं, क्योंकि हथियार से वो बहुत अच्छी तरह खेलता है। और डायलॉग भी है, तुम गुंडे हो लेकिन दिल के अच्छे हो। ये कहकर इस हत्यारे पर जानवी यानी कि आयशा टाकिया फिदा हो जाती है, लेकिन राधे के क्रूर रूप को देखकर वो भी सिहर उठती है। मोटी ताजी जानवी पर दो लोग और फिदा है, अधेड़ उम्र का मकान मालिक मनोज पांडवा जो बीच बीच में दर्शकों को हंसाता है, और दूसरा इंस्पेक्टर तलपड़े यानी कि महेंद्र मांजरेकर जिसकी हरकतों पर दर्शकों को गुस्सा आता है। गने भाई यानी कि प्रकाश राज के लिए राधे काम करता है और उनके दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। गनी भाई के खास आदमी का मर्डर हो जाता है और लड़कियों की कुश्ती देखने के लिए शौकीन गनी भाई फॉरेन कंट्री से इंडिया चले आते हैं। यहाँ आकर उन्हें एक खास राज मालूम पड़ता है, जिससे उनकी और राधे की दुश्मनी हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट आता है और खून खराबे के पीछे राधे का मकसद क्या है ये सभी को पता चल जाता है। तमिल फिल्म पोगरी पर आधारित वांटेड की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और कह सकते हैं कि एक नए पौधे की तरह पनपती है। उसमें नयापन था और सभी सस्पेंस में थे कि आगे क्या होने वाला है, ये बात किसी को नहीं पता होती थी। क्लाइमेक्स तक सभी सस्पेंस में होते थे कि आगे क्या होने वाला है। फिल्म अपनी रुचि बनाए रखती थी क्योंकि निर्देशक प्रभु देवा ने सीन्स की बैलेंसिंग काफी उम्दा तरीके से की। फिल्म में एक्शन कॉमेडी और रोमांस का तड़का बिल्कुल इक्वल था। साथ ही उन्होंने सलमान खान को एक बेहतरीन तरीके से पेश किया। सलमान के ढेर सारे प्रशंसक उन्हें इसी रूप में देखना पसंद करते हैं। सलमान की जो इमेज वो राधे किरदार में बिल्कुल मेल खाती है। अक्खड़ थोड़ा बिगड़ा लेकिन दिल का हीरा, बेखौफ और लार्जर देन लाइफ सी शख्सियत, अपनी मर्जी से जीने वाला, स्टाइलिश, औरतों की इज्जत करने वाला। लगता ही नहीं कि सलमान एक्टिंग कर रहे हैं, पूरी फिल्म में सलमान की प्रभुत्व है। सल्लू की हीरोगिरी दिखाने के लिए स्क्रिप्ट की खामियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। सलमान के कारण दर्शक उन गलतियों को बचा लेते हैं। वांटेड देखते समय दर्शक इन बातों की परवाह नहीं करते कि उनके हीरो को गोली छू नहीं सकती। इस फिल्म का एक्शन प्लस पॉइंट था, जैसे कि सलमान खान की एंट्री, आशा टाकिया को ट्रेन में छेड़ने वाले गुंडों की पिटाई वाले सीन, ये सभी सीन माइंड ब्लोइंग सीन थे। वहीं बात करें फिल्म के सॉन्ग की तो जलवा और लव मी बहुत खास है। हर गाने का फिल्मांकन खूबसूरत लोकेशन पर भव्य तरीके से किया गया है। तकनीकी रूप से फिल्म सशक्त है। हम कह सकते हैं कि आशा टाकिया ने सलमान का साथ उम्दा तरीके से निभाया। गनी भाई के रूप में प्रकाश राज ने अपनी छाप छोड़ी है, वहीं पुलिस की गिरफ्त रहकर उन्होंने खूब हंसाया है। महेश मांजरेकर को देखकर नफरत पैदा होती है और यही उनकी कामयाबी है। विनोद खन्ना प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। अगर आप एक्शन फिल्म पसंद करते हैं या ना भी पसंद करते हो तो भी सलमान खान की इस फिल्म को आप जरूर पसंद करेंगे, और यही सलमान खान की खासियत है कि वो जिस फिल्म से जुड़ जाते हैं वो फिल्म लोगों को अपने आप पसंद आने लगती है, चाहे फिल्म की स्टोरी कैसी भी हो। वो सबके सलमान खान हैं और हमेशा रहेंगे। बात करते हैं 22 की, इस फिल्म का बजट कितना हो सकता है। तो अगर इस फिल्म से सलमान खान जुड़े रहे तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 250 से 300 करोड़ का हो सकता है, क्योंकि आखिरकार ये फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है। बात करें फिल्म की कास्टिंग की तो अभी जानवी कपूर और टाइगर श्रॉफ के अलावा अभी किसी की भी फाइनल कास्टिंग नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि फाइनल अनाउंसमेंट कब होती है इस फिल्म की और रिलीज डेट क्या रखी जाएगी।
दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या टाइगर श्रॉफ और जानवी कपूर की जोड़ी अच्छी लगेगी या नहीं, और क्या सिर्फ इस फिल्म में सलमान खान का कैमियो होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताएं। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। डोंट फॉरगेट। सलमान खान के साथ वांटेड 2 क्यों बनाने जा रहे हैं प्रभु देवा? वांटेड 2 को लेकर प्रभु देवा ने क्या कहा? इस बार वांटेड 2 की कहानी क्या है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। सलमान खान बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर एक्टर में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। इन फिल्मों में साल 2009 में आई उनकी फिल्म वांटेड भी शामिल है। इस फिल्म का डायरेक्शन प्रभु देवा ने किया था। इस फिल्म में सलमान के अलावा आयशा टाकिया, प्रकाश राज और विनोद खन्ना ने भी महत्वपूर्ण किरदार निभाए थे। पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसी चर्चा सामने आई है कि वांटेड का सीक्वल बन सकता है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक वांटेड 2 बनाने का अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान बन जाए। वैसे सलमान खान के पास इस समय कई सारी फिल्में हैं। हाल ही में उनकी भारत रिलीज हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस किया, लेकिन जब से सलमान खान ने संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह को छोड़ा है, तब से कहा जा रहा है कि शायद सलमान खान वांटेड के सीक्वल में काम करेंगे और बहुत जल्द ही इस फिल्म की घोषणा हो सकती है। काफी समय से उलझन थी कि सलमान किक का अगला भाग लाएंगे या वांटेड का, मगर हालिया रिपोर्ट के मुताबिक खबरें हैं कि सलमान इस बार वांटेड का दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं। हालांकि इस फिल्म का नाम वांटेड 2 नहीं बल्कि कुछ और रखा जाएगा। इस फिल्म को सलमान खान के प्रोडक्शन तले बनाया जाएगा, साथ ही मूवी को एक बार फिर प्रभु देवा ही डायरेक्ट करेंगे। वांटेड 2 की कहानी कुछ इस प्रकार होगी। इस बार भी फिल्म की कहानी एक अंडरकवर पुलिस अफसर के इर्द गिर्द ही घूमेगी। वांटेड के अगले भाग पर इस साल के अंत तक काम शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है। ईद के त्योहार से सलमान की फिल्मों और बॉक्स ऑफिस का रिश्ता आखिर कैसे जुड़ा, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम ट्रेवल करवाते हैं और लिए चलते हैं 10 साल पीछे 2009 में। ये वो साल है जब सलमान के करियर में टर्निंग पॉइंट आया और वो बॉलीवुड के मोस्ट वांटेड खान कहे जाने लगे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईद पर सलमान की फिल्मों को रिलीज करना निर्माताओं की सोची समझी चाल नहीं थी बल्कि एक इत्तेफाक था, जिसकी शुरुआत 2009 में आई सुपरहिट फिल्म वांटेड से हुई थी। तब तक सलमान को भी नहीं पता था कि ईद का त्यौहार उनके लिए इतना अहम होने वाला है। वांटेड ईद पर रिलीज नहीं होने वाली थी। प्रोडक्शन में देरी होने की वजह से वांटेड को ईद के मौके पर रिलीज किया गया था। 2009 में ईद का त्यौहार 20 सितंबर को मनाया गया था, जबकि वांटेड 18 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म ने 60 करोड़ जमा किए थे और उस दौरान जबरदस्त हिट रही थी। बोनी कपूर ने वांटेड को प्रोड्यूस किया था। वांटेड ने सलमान के नीचे गिरते करियर में जान फूंक दी थी। वांटेड से पहले सलमान की गॉड टू सी ग्रेट हो, हीरोज और युवराज फ्लॉप रही थी। लगातार असफलताओं से जूझ रहे सलमान को नए स्टारडम की तरफ जाने का रास्ता मिल गया था। इसका श्रेय निर्देशक प्रभु देवा को भी जाना चाहिए, जिन्होंने इसी फिल्म से हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक करियर शुरू किया था। वांटेड में आयशा टाकिया सलमान की लीडिंग लेडी बनी। वहीं पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में चर्चित रहे अभिनेता प्रकाश राज ने डॉन का निगेटिव रोल निभाया था। प्रकाश राज इससे पहले भी हिंदी फिल्मों में काम कर चुके थे, मगर वांटेड के बाद हिंदी सिनेमा के दर्शक उन्हें पहचानने लगे थे। वांटेड की सफलता के बाद निर्माताओं को ये भी लगने लगा कि अगर वो सलमान के साथ अपनी फिल्म ईद पर रिलीज करेंगे तो सफलता की गारंटी होगी। इस विश्वास को सलमान ने 2016 तक बनाए रखा। सलमान जब जब ईद पर आए, बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश हुई। 2010 में सलमान खान दबंग इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे बनकर हिंदी सिनेमा के पर्दे पर नजर आए। फैंस ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और अभिनय कश्यप को 140 करोड़ का डायरेक्टोरियल डेब्यू मिला। सलमान ने फिल्म में रॉबिनहुड टाइप का किरदार निभाया। 2011 की ईद पर सलमान की बॉडीगार्ड रिलीज हुई,
इस फिल्म को साउथ सिनेमा के डायरेक्टर सिद्दीक ने डायरेक्ट किया था। करीना कपूर फिल्म की लीडिंग लेडी थी। फिल्म ने 149 करोड़ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जमा किए। 2012 की ईद पर सलमान पहली बार इंटेलिजेंस एजेंट टाइगर बनकर पर्दे पर आए। कबीर खान डायरेक्टेड फिल्म में कैटरीना कैफ उनकी लीडिंग लेडी थी। एक था टाइगर, सुपरस्टार सलमान खान को वांटेड आज क्यों याद आ रही है? सलमान खान एक्टर क्यों नहीं बनना चाहते? सलमान खान की वांटेड 2 कब शुरू होने वाली? सलमान खान ने जब फिल्मी करियर की शुरुआत की थी तो कितने किलोग्राम के थे? उन्होंने किस फिल्म के लिए दुआ मांगी कि दर्शक उनकी ये फिल्म ना देखे? उनसे किसने कहा कि तुम्हारे साथ जो हमेशा खड़ा रहेगा वो तुम ही हो? वांटेड फिल्म की कहानी क्या है और वांटेड 2 फिल्म की कहानी क्या होगी? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। आज सलमान खान की राधे फिल्म के डायरेक्टर प्रभु देवा का जन्मदिन है, इसलिए सलमान खान को वांटेड याद आ रही है। इसलिए दोस्तों मैं आज आपको वांटेड के बारे में बताऊंगा, जिनको सुन करके आपको लगेगा वाकई वांटेड का सिक्वल बनना चाहिए। सलमान खान का फिल्मी सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उनके करियर में कई बार ऐसा समय आया जब लगा कि करियर खत्म होने के कगार पर है। ये बात 2007 की, जब उनके फिल्म पार्टनर सुपरहिट रही, वे छा गए थे। लेकिन उसके बाद उनकी फिल्मों को लेकर खराब चॉइस की वजह से उनके स्टारडम को खतरा पैदा हो गया। उनकी युवराज भी फ्लॉप हो गई। सलमान खान का नाम आज बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में शामिल है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियां सलमान खान के साथ काम करना चाहती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान का सपना एक्टर बनने का नहीं, अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले सलमान खान पहले निर्देशक बनना चाहते, लेकिन परिस्थितियों की वजह से उन्हें एक्टर बनना पड़ा। क्या आप जानते हैं वो कैसे फिल्म जगत से जुड़ गए? इस सवाल का जवाब देते हुए सलमान खान कहते हैं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता था। पहले मैं असिस्टेंट था, उसके पहले मैं मॉडलिंग किया करता था। उस वक्त जो फिल्में बनती थी वो मोहल्ले का दादा, पुलिस इंस्पेक्टर, लॉयर, इस तरह के जॉनर की बनती थी। मैं इन फिल्मों में हीरो के लिए फिट ही नहीं था। पहले मैं 48 किलो का हुआ करता था। मैं लोगों के पास अपनी स्क्रिप्ट लेकर जाता था तो लोग बोलते थे, नहीं अभी बहुत यंग हो। सलमान बताते हैं, उसी समय फिल्म बीबी हो तो ऐसी ऑफर हुई। मैंने स्क्रिप्ट को सुनकर मैंने फिल्म साइन कर ली, लेकिन फिल्म में अपना काम देखा तो मैंने दुआएं मांगी कि कोई फिल्म ना देखे। पहली बार कोई ऐसा एक्टर होगा जिसने पहली फिल्म के लिए दुआएं मांगी होगी कि कोई फिल्म ना देखे। इसके बाद फिल्म आई मैंने प्यार किया और इसके बाद मैंने वापस कर नहीं देखा। सलमान खान कहते हैं, एक समय ऐसा आया कि मैंने काम छोड़ दिया और पार्टी में बिजी हो गया। एक दिन पापा ने मैंने प्यार किया को देखने के लिए लगी सिनेमा घरों की भीड़ को देखकर फोन किया। मैं उनके रिएक्शन को देखने के लिए उत्साहित। करीब रात के 2:30 बज रहे तभी मेरी माँ कमरे में आई और कहा, तुझे क्या लगता है कि तू स्टार बनेगा? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, आप बताओ। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ लगाया और कहा, तुम्हारे साथ जो हमेशा खड़ा रहेगा वो तुम ही हो और कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये बात 2009 की। सलमान खान बुरे दौर से गुजर रहे, फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। सलमान खान को खत्म मान लिया गया था। इसी बीच एक फिल्म दबे पांव रिलीज हुई, नाम था वांटेड। सोचा भी नहीं था कि किसी ने, और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। बस तब से सलमान खान ने पीछे पलटकर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सुल्तान तक जा पहुंचे। सुल्तान बनने के बाद तो टाइगर का रूप ले लिया। अब पुनर्जन्म होगा सिकंदर का रेस 3 में। वांटेड बनाई थी प्रभु देवा ने, मसाला फिल्म बनाने में वे माहिर है। लगा कि जल्द ही सलमान खान के साथ दूसरी फिल्म बनाएंगे, लेकिन कई वर्ष गुजर गए और दोनों ने साथ काम नहीं किया। प्रभु देवा ने कई बार इच्छा जताई कि वे सलमान खान को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर सलमान खान दूसरे प्रोजेक्ट में इतने व्यस्त हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी ही नहीं कर पाए। अब जाकर दोनों साथ काम करने जा रहे हैं। प्रभु देवा और सलमान खान की फिल्म की योजना बन चुकी है, डेट तय होते ही काम शुरू होगा, हालांकि इसमें समय लगेगा। प्रभु देवा ने ये नहीं बताया कि किस तरह की फिल्म होगी, लेकिन अगर मीडिया खबरों की बात माने तो वांटेड 2 हो सकती। एक नई कहानी के साथ इसे पेश किया जा सकता है। वांटेड के निर्माता बोनी कपूर थे और वो भी सलमान खान के साथ लंबे समय से फिल्म बनाना चाह रहे। बोनी को निर्माता बनाकर ये प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। वांटेड तेलुगु फिल्म पोकरी की रिमेक थी। आज चारों ओर रेप जैसी घटना आम हो गई। अब बात करते हैं वांटेड फिल्म कैसी थी, जिसने सलमान खान को फिर से सुपरस्टार बना दिया। सिनेमा घर में अंधेरा होते ही सलमान खान का शो शुरू हो जाता है। सलमान खान की एंट्री होती है एक्शन सीन से। एकदम दीवार के अमिताभ के स्टाइल में सलमान
शटर गिराते हैं और उस पर ताला गुंडे लगाते हैं। उसके बाद उन 20-25 आदमियों की सल्लू जोरदार तरीके से धुलाई करते हैं। धांसू एक्शन सीन के तुरंत बाद धांसू गाना। गणेश जी की मूर्ति के सामने सलमान जलवा गाने पर ठुमके लगाते हैं। एक्शन और गाने से निर्देशक ने दिखा दिया कि राधे किस तरह का आदमी है। वो लोगों को गाजर मूली की तरह काटता है और भगवान के आगे सिर झुकाता है। राधे यानी सलमान खान एक शूटर, उसके चमचे उसे ब्रूसली का नाना और रैम्बो का चाचा कहते। तुम जिस स्कूल में पढ़े हो उसका हेडमास्टर मेरे से ट्यूशन लेता, जैसे घिसे पीटे डायलॉग भी वो बोलता। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन टैरिये उसके भी कुछ उसूल है। और तो और बच्चों पर वो हाथ नहीं उठाता, जो काम पसंद आता है वही करता है। शराब और खून जब इच्छा हो तब पीता है, और वो भी दबा के। गुटके को मौत का समान मानता है, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर वो अपने भी नहीं सुनता। एक्शन के बीच रोमांस भी जरूरी है। इस गुंडे नुमा शख्स के स्टाइल पर लड़कियां मरती हैं, क्योंकि हथियार से वो बहुत अच्छी तरह खेलता है। तुम गुंडे हो लेकिन दिल के अच्छे हो कहकर इस हत्यारे पर जानवी यानी कि आयशा टकिया फिदा हो जाती है। लेकिन राधे के क्रूर रूप को देखकर वो सिहर उठती। मोटी ताजी जानवी पर दो लोग और फिदा हैं। अधेड़ उम्र का मकान मालिक यानी मनोज पावा, जो बीच बीच में दर्शकों को हंसाता है, और इंस्पेक्टर तलपदे यानी कि महेश मांजेकर, जिसकी हरकतों पर दर्शकों को गुस्सा आता है। गानी भाई यानी कि प्रकाश राज के लिए राधे काम करता है और उनके दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। गानी भाई के खास आदमी का मर्डर हो जाता है और लड़कियों की कुश्ती देखने के शौकीन गानी भाई विदेश से भारत चले आते हैं। यहाँ आकर उन्हें खास राज मालूम पड़ता है, जिससे उनकी और राधे की दुश्मनी हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट आता है और खून खराबे के पीछे राधे का मकसद क्या है, ये सभी को पता चलता है। तमिल फिल्म पोगरी पर आधारित वांटेड की कहानी धागे जैसी पतली है, उसमें नयापन भी नहीं है। आगे क्या होने वाला है ये सभी को पता रहता है। क्लाइमेक्स के थोड़ा पहले तक कहानी आगे खिसकती भी नहीं है, फिर भी फिल्म में रुचि बनी रहती है, क्योंकि निर्देशक प्रभु देवा ने दृश्यों को असेंबलिंग बहुत ही उम्दा तरीके से किया है। दर्शाया है एक्शन, हास और रोमांस का मिश्रण बिल्कुल बराबर मात्रा में किया गया है। साथ ही उन्होंने सलमान खान को बेहतरीन तरीके से पेश किया है। सलमान के ढेर सारे प्रशंसक उन्हें इसी रूप में देखना पसंद करते। सलमान की जो इमेज है वो राधे के किरदार से बिल्कुल मेल खाती है। अक्खड़ थोड़ा बिगड़े लेकिन दिल का हीरा, बेखौफ, लार्जर देन लाइफ सी शख्सियत, अपनी मर्जी से जीने वाला, स्टाइलिश, औरतों की इज्जत करने वाला। लगता ही नहीं कि सलमान खान एक्टिंग कर रहे हैं। पूरी फिल्म में सलमान का प्रभुत्व। सल्लू की हीरोगिरी दिखाने के लिए स्क्रिप्ट की खामियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। सलमान खान के कारण दर्शक उन गलतियों को पचा लेते। सलमान पर सैकड़ों गोलियां चलती हैं और उन्हें खरोंच तक नहीं आती। वांटेड देखते समय दर्शक इन बातों की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनके हीरो को गोली छू भी नहीं सकती। एक्शन इस फिल्म का प्रमुख आकर्षण। कई एक्शन स्टंट बेहतरीन बन पड़े हैं, जिनमें सलमान की एंट्री वाला सीन, आयशा को ट्रेन में छेड़ने वाले गुंडों की पिटाई वाले सीन और फिल्म का क्लाइमेक्स उल्लेखनीय है। संगीत की बात की जाए तो जलवा और लव में उम्दा है। हर गाने का फिल्मांकन खूबसूरत लोकेशंस पर भव्य तरीके से पेश किया गया है। तकनीकी रूप से फिल्म सशक्त। आयशा टाकिया ने सलमान का साथ उम्दा तरीके से निभाया। गनी भाई के रूप में प्रकाश राज ने अपनी छाप छोड़ी। पुलिस की गिरफ्त में रहकर उन्होंने खूब हंसाया। महेश मांजेकर को देख नफरत पैदा होती और यही उनकी कामयाबी है। विनोद खन्ना ने भी अपना प्रभाव छोड़ा। यदि आप एक्शन फिल्म पसंद करते हैं और सलमान खान के प्रशंसक हैं, तो वांटेड आपके लिए तीखे मसालों के साथ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वांटेड तीखे मसालों की तरह है तो वांटेड 2 आज के दौर की सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम की तरह होगी। तो दोस्तों आप प्रभु देवा कर रहे हैं सलमान खान के साथ वांटेड 2 की प्लानिंग। क्या राधे के बाद दिख सकता है हमें वांटेड का सिक्वल? मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। जबकि सलमान खान हमेशा से बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी करियर के बीच में एक खामियाजा भुगतना पड़ा। यह कहना गलत नहीं होगा कि 2009 की फिल्म वांटेड थी जिसने उनके करियर को पुनर्जीवित किया। प्रभुदेवा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आयुष टाकिया, प्रकाश राज और विनोद खन्ना भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। काफी समय से वांटेड का सीक्वल पाने के बारे में कई बातें बन रही थी। हाल ही में प्रभुदेवा, जो सलमान की दबंग 3 का निर्देशन कर रहे थे, इसके बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि अभी तक वांटेड 2 के लिए कोई योजना नहीं है, लेकिन किसी को भी कभी नहीं पता कि भविष्य क्या है।
लेकिन लगता है 2021 में वांटेड के सीक्वल की योजना बन गई है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हमें जल्द ही वांटेड का सीक्वल देखने को मिल सकता है, खासकर क्योंकि सलमान खान के फिल्मी करियर में भी हाल ही में एक ब्लॉक सा लग गया है और ऐसा लगता है कि ये ब्लॉक वांटेड के सीक्वल से ही हटेगा जैसे इससे पहले हटा था। तो क्या हुआ था आखिर? वही सलमान आज भले भी बॉलीवुड के वो स्टार हों जिनकी फ्लॉप फिल्म भी 100 करोड़ कमा लेती है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वो एक हिट फिल्म के लिए तरस गए थे। इसी दौरान किस्मत से उनकी झोली में ऐसी फिल्म आ गिरी जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं सलमान खान की जबरदस्त फिल्म वांटेड की। ये फिल्म 9 साल पहले आज के ही दिन रिलीज हुई थी। अगर यूं कहें कि ये फिल्म है जिसने सलमान का डूबता करियर बचा लिया तो गलत नहीं होगा। वांटेड को ऑडियंस ने इतना पसंद किया कि सलमान की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और महीनों तक इस फिल्म के शोज हाउसफुल ही हो गए थे। इस फिल्म के बाद सलमान की हेयर स्टाइल और अंदाज का ट्रेंड वापस आ गया था। वांटेड एक साउथ इंडियन फिल्म की हिंदी रीमेक थी। दोनों फिल्मों के डायरेक्टर एक ही थे, वो थे मशहूर कोरियोग्राफर प्रभु देवा। प्रभु देवा ने वांटेड के जरिए सलमान को ये एहसास दिला दिया कि ऑडियंस को सलमान से क्या चाहिए और वो इसके जरिए फ्लॉप के बाद भी वापस आ सकते हैं। बस फिर क्या था, सलमान आज तक नहीं रुके हैं, लेकिन अब लगने लगा है जैसे सलमान को वांटेड के लक का फिर से इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और वैसे भी प्रभु देवा और सलमान खान की राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के बाद वांटेड के सीक्वल की उम्मीद बढ़ती जा रही है। हम अब सलमान को फिर से वांटेड फिल्म में जलवा दिखाते हुए देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। क्या प्रभु देवा कर रहे हैं सलमान खान के साथ वांटेड 2 की प्लानिंग? क्या राधे के बाद दिख सकता है हमें वांटेड का सीक्वल? मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। जबकि सलमान खान हमेशा से बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी करियर के बीच में एक खामियाजा भुगतना पड़ा। यह कहना गलत नहीं होगा कि 2009 की फिल्म वांटेड थी जिसने उनके करियर को पुनर्जीवित किया। प्रभु देवा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आयुष टाकिया, प्रकाश राज और विनोद खन्ना भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। काफी समय से वांटेड का सीक्वल पाने के बारे में कई बातें बन रही थी। हाल ही में प्रभु देवा जो सलमान की दबंग 3 का निर्देशन कर रहे थे, इसके बाद में पूछा गया था, उन्होंने कहा कि अभी तक वांटेड 2 के लिए कोई योजना नहीं है। लेकिन किसी को भी कभी नहीं पता कि भविष्य क्या है, लेकिन लगता है 2021 में वांटेड के सीक्वल की योजना बन गई है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हमें जल्द ही वांटेड का सीक्वल देखने को मिल सकता है, खासकर क्योंकि सलमान खान के फिल्मी करियर में भी हाल ही में एक ब्लॉक सा लग गया है और ऐसा लगता है कि ये ब्लॉक वांटेड के सीक्वल से ही हटेगा जैसे इससे पहले हटा था। तो क्या हुआ था आखिर? वही सलमान आज भले भी बॉलीवुड के वो स्टार हों जिनकी फ्लॉप फिल्म भी 100 करोड़ कमा लेती है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वो एक हिट फिल्म के लिए तरस गए थे। इसी दौरान किस्मत से उनकी झोली में ऐसी फिल्म आ गिरी जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं सलमान खान की जबरदस्त फिल्म वांटेड की। ये फिल्म 9 साल पहले आज के ही दिन रिलीज हुई थी। अगर यूं कहें कि ये फिल्म है जिसने सलमान का डूबता करियर बचा लिया तो गलत नहीं होगा। वांटेड को ऑडियंस ने इतना पसंद किया कि सलमान की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और महीनों तक इस फिल्म के शोज हाउसफुल ही हो गए थे। इस फिल्म के बाद सलमान की हेयर स्टाइल और अंदाज का ट्रेंड वापस आ गया था। वांटेड एक साउथ इंडियन फिल्म की हिंदी रीमेक थी। दोनों फिल्मों के डायरेक्टर एक ही थे, वो थे मशहूर कोरियोग्राफर प्रभु देवा। प्रभु देवा ने वांटेड के जरिए सलमान को ये एहसास दिला दिया कि ऑडियंस को सलमान से क्या चाहिए और वो इसके जरिए फ्लॉप के बाद भी वापस आ सकते हैं। बस फिर क्या था, सलमान आज तक नहीं रुके हैं, लेकिन अब लगने लगा है जैसे सलमान को वांटेड के लक का फिर से इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और वैसे भी प्रभु देवा और सलमान खान की राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के बाद वांटेड के सीक्वल की उम्मीद बढ़ती जा रही है। हम
अब सलमान को फिर से वांटेड फिल्म में जलवा दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया था। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने सलमान खान के डूबते हुए करियर को फिर से टॉप पर पहुंचा दिया था और उसके बाद सलमान खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी हर फिल्म इस फिल्म के बाद 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। पहचान गए दोस्तों? चलो हम ही बता देते हैं, हम बात कर रहे हैं 2009 में रिलीज हुई उनकी फिल्म वांटेड की, जिसने उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। 18 सितंबर 2009 उनकी फिल्म रिलीज हुई वांटेड, और फिल्म का डायरेक्शन किया था प्रभु देवा ने और इसके प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर, और इसका म्यूजिक कंपोज किया था म्यूजिक कंपोजर साजिद वाजिद और सलीम सुलेमान ने। दोस्तों, इस फिल्म में सलमान खान के साथ आयशा टाकिया ने काम किया था। उनके अलावा इस फिल्म में प्रकाश राज और विनोद खन्ना भी एक्टिंग करते नजर आए। ये तेलुगु फिल्म पोखरी का रीमेक थी जिसमें साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू ने काम किया था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक एक्शन मूवी थी, और अगर बात करें कहानी की तो ये एक ऐसे सीक्रेट पुलिस ऑफिसर की कहानी थी जो सीक्रेटली गैंगस्टर्स के बीच में गैंगस्टर बनकर उनके सारे क्रिमिनल्स का एनकाउंटर करके क्राइम को खत्म करता है। इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन था और इसका डायरेक्शन भी काफी बढ़िया तरीके से किया गया था, और एक्शन के साथ साथ फिल्म में रोमांस भी बढ़िया तरीके से दिखाया गया, और फिल्म को लोगों ने बढ़िया रेस्पॉन्स दिया। लोगों को इस फिल्म का एक्शन गजब लगा। इस फिल्म को क्रिटिकली और कॉमर्शियली बहुत अप्रिशिएट किया गया। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोस्तों, फिल्म का बजट था 52 करोड़ और फिल्म ने इंडिया में 70 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जबकि वर्ल्ड वाइड वांटेड ने 95 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। दोस्तों, वांटेड फिल्म ने पहले दिन 5 करोड़, पहले वीकेंड में 16 करोड़ और पहले वीकेंड में 33 करोड़ 63 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस फिल्म से पहले सलमान खान की कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनका करियर अब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिल्म की बढ़िया डायरेक्शन और जबरदस्त एक्शन ने लोगों को थिएटर्स में बार बार आने पर मजबूर कर दिया, और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई और सलमान खान फिर से बॉक्स ऑफिस के सुपरस्टार साबित हुए। दोस्तों, अगर वांटेड का सीक्वल वांटेड 2 बनता है तो क्या वो भी इतनी ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हो पाएगी? हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी जानकारी जानने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड। क्या मोस्ट वांटेड 2 में सलमान खान हिस्सा नहीं होने वाले हैं, और क्या वो खफा हैं या फिर प्रभु देवा इस फिल्म में किसी और को लेना चाहते हैं? कौन वांटेड 2 में हिस्सा हो सकता है और इसकी प्रेजेंस होने से कौन इसका फायदा उठा सकता है? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, मेरा नाम है निदा। आज मैं बात करने वाली हूँ 2009 में आई वांटेड की। इस फिल्म ने सलमान खान को एक ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जो बहुत सालों से 6 सालों से बुरी तरीके से करियर फ्लॉप झेल रहे थे। आपको बता दूं कि सलमान खान जो आज बहुत ऊंचाइयों पर हैं, हर एक फिल्म का बॉक्स ऑफिस रेट वही नापते हैं, 200-300 करोड़ उनके लिए बहुत मामूली हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त था 2003 से 2006 का कि सलमान खान की हर एक फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हो रही थी। फिर एक ऐसा वक्त आया 2009 में, प्रभु देवा की फिल्म वांटेड ने उनके जो करियर का एक सितारा है ना, वो चमका दिया। आपको बता दूं कि वांटेड 2 से ही बॉलीवुड में ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ रीमेक बनने का। इसके बाद बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जैसे कि राउडी राठौर, आर राजकुमार, जिन्होंने ये ट्रेंड जारी रखा। लेकिन वांटेड में सलमान खान के एक्शन ने ऑडियंस को एक बार फिर से यकीन दिला दिया कि सलमान खान बॉलीवुड के खान में शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्यों सलमान खान वांटेड 2 का हिस्सा नहीं होने वाले, और क्या उनकी प्रभु देवा से लड़ाई हो गई है? तो अगर आपका कोई ऐसा सवाल है तो आपको बता दूं कि ना तो लड़ाई हुई है और ना ही कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से सलमान खान फिल्म से अलग हो गए हैं। लेकिन जब वो रेस वीक का प्रमोशन कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या आप वांटेड 2 में मौजूद हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मौजूद तो छोड़िए, मैं इस फिल्म का हिस्सा भी नहीं हूँ, इस फिल्म में मेरा कोई नाता नहीं है। जिसके बाद से कुछ ऐसे रूमर्स उड़ने लगे जो कहने लगे कि प्रभु देवा और इनमें लड़ाई हो गई है, और बोनी कपूर, आपको बता दूं कि बोनी कपूर, सलमान खान और अर्जुन कपूर, उनमें एक लड़ाई सी तो नहीं कहेंगे लेकिन ऐसी अनबन जरूर हो गई है, और वो रीज़न है मलाइका अरोड़ा खान।
आपको बता दूं कि सलमान खान नहीं चाहते थे कि अर्जुन कपूर किसी तरीके से इन्वॉल्व हो मलाइका अरोड़ा के मैटर में, और वो तो रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गए, तो वो मैटर तो बहुत आगे बढ़ चुका है। और शायद यही रीज़न है कि जहाँ सलमान होते हैं वहाँ अर्जुन कपूर नहीं होते, जहाँ अर्जुन कपूर होते हैं वहाँ सलमान खान नहीं होते। तो वॉन्टेड टू को प्रोड्यूस कर रहे हैं बोनी कपूर, यानी कि शायद यही वजह है कि सलमान खान नहीं चाहते कि वो इस फिल्म का हिस्सा हो, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाता वाता सब कुछ इससे तोड़ लिया है। लेकिन अब इस फिल्म में कौन हिस्सा होने वाला है और क्यों मेकर्स फिल्म मेकर्स इस एक्टर का फ़ायदा उठाने वाले हैं मोस्ट वांटेड टू में, तो आपको बता दूं कि उनका नाम है टाइगर श्रॉफ। वो इस वक्त एक्शन हीरो में एकदम जज्ब हो चुके हैं और उनकी कोई भी फिल्म होती है उसमें हर तरफ से वो उचकते फांते नज़र आते हैं, तो वो एक एक्टर कम और जिम्नास्टिक एक्टर ज़्यादा लगते हैं मुझे, और इस फिल्म में उन्हीं को लिया गया है क्योंकि इनकी जो एक प्रेजेंस है, जो इनका एक जॉनर है, वो एक्शन ही है, जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स प्रभु देवा और बोनी कपूर चाहते हैं कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ ऐड हो जाए। लेकिन अभी उन्होंने कोई हाँ नहीं बोला है, तो अगर वो हाँ कह देते हैं तो उनकी और सारी फिल्मों की तरह मोस्ट वांटेड टू भी एक एक्शन पैक्ड फिल्म हो जाएगी, जिसके बाद से उनके पास इतना मटेरियल हो जाएगा एक्शन का, यानी अगर उनके जो दोस्त वगैरह होते हैं किसी मुसीबत में फंस जाते होंगे तो वो चाहते होंगे कि टाइगर श्रॉफ उनकी आकर मदद करें, हीरो की तरह एक हीरोगिरी दिखाएं, मतलब ऐसा कुछ। एनीवे मैं आपको बता दूं कि टाइगर श्रॉफ इस फिल्म से शायद जुड़ सकते हैं, इस फिल्म से प्रभु देवा और बोनी कपूर को भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अगर इस फिल्म में सलमान खान होते तो वो फिल्म वहाँ तक पहुँच सकती जहाँ तक टाइगर श्रॉफ नहीं पहुँचा पाएंगे? आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का ड्रॉबैक क्या सलमान खान हो सकते हैं, और क्या इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ किसी तरीके से ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्म रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। वॉन्टेड टू के प्रोडक्शन से सल्लू ने बोनी कपूर को आखिर बाहर क्यों किया? क्या होगी वॉन्टेड टू की कहानी? सलमान खान अपनी फिल्मों में हीरोइंस को किस क्यों नहीं करते? उनका इकलौता किसिंग सीन आखिर कैसे शूट किया गया था? कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने कभी लिप लॉक नहीं किया लेकिन बाद में लिप किस कर ही दिया? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। दोस्तों, कुछ दिनों से सल्लू की वॉन्टेड टू को लेकर बहुत चर्चा है। वॉन्टेड फिल्म ने सल्लू के डूबते करियर को एक बार फिर से उभारा था, इसीलिए ये उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है, इसीलिए इस फिल्म का प्रोडक्शन वो खुद कर रहे हैं। वॉन्टेड को बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था लेकिन अब वो फिल्म को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और सलमान खान नहीं चाहते कि बोनी इस फिल्म को प्रोड्यूस करे, और वजह बताई जा रही है बोनी के बेटे अर्जुन कपूर और सलमान की एक्स भाभी मलाइका के बीच अफेयर की खबरें। और फिल्म को प्रभु देवा डायरेक्ट करेंगे वॉन्टेड टू को, और वॉन्टेड टू पर ऑलरेडी काम करना शुरू हो चुका है, बस अब इंतज़ार है कि शूटिंग कब शुरू होगी और फिर जल्द से जल्द ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। कहानी की बात करें तो फिर से एक बार अंडरकवर पुलिस ऑफिसर की कहानी इसमें दिखाई जाएगी, और सल्लू भाईजान ने इसमें ताबड़तोड़ कमाई तो की थी इस फिल्म से, लेकिन उनका जो लुक था, उनकी जो एक्टिंग थी, वो बहुत पसंद की गई थी, इसीलिए वॉन्टेड टू का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। और दोस्तों, इसके अलावा बात करें बॉलीवुड फिल्मों की, तो इनमें रोमांस और किस सीन्स ना हो ये बहुत कम होता है। अधिकतर हीरो सक्सेस के लिए फिल्म की कहानी के डिमांड के हिसाब से किस करने से परहेज नहीं करते, लेकिन ऐसे में सल्लू भाईजान एकमात्र ऐसे अपवाद बन चुके हैं जो फिल्मों में अपनी हीरोइन को भूल कर भी किस नहीं करते, इसके बाद भी उनकी फिल्में छप्पर फाड़ कमाई करती हैं। बॉलीवुड में सलमान खान ही एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने रोमांस तो भरपूर किया है फिल्मों में, लेकिन कभी किस नहीं किया है। लंबे समय से सलमान इन रूल्स को फॉलो करते आए हैं। आप सलमान की किसी फिल्म को याद कर लीजिए जिसमें उन्होंने हीरोइन को किस किया हो, और पर्दे पर किसी हीरोइन के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि सलमान खान ने पर्दे पर हमें किस किया है। हालांकि देखा जाए तो सलमान खान का एक किस सीन जरूर आपने देखा होगा भाग्यश्री की फिल्म में, और सूरज भरजातिया ने इसे डायरेक्ट किया था, मैंने प्यार किया, और इस फिल्म के लिए भी सलमान की हीरोइन तो बिल्कुल तैयार नहीं हो रही थी, साथ में सलमान खान ने भी बिल्कुल मना कर दिया था कि भैया मैं किसी हीरोइन को किस नहीं करने वाला, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। लेकिन ऐसे में सूरज भरजातिया जी का दिमाग चला और उन्होंने एक ग्लास को बीच में रखा, तब जाकर इन दोनों का लिप लॉक करवाया। उसके बाद सलमान खान किसी भी फिल्म में ऐसा सीन नहीं करते हुए नजर आए, और उन्होंने फिल्मों को करने से पहले ही नो किस क्लॉज साइन कर लिया था, जिसके तहत ऐसा होता है कि मैं किसी को किस नहीं करूंगा। और सलमान खान ने आज तक अपना ये
वादा नहीं तोड़ा। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि मैं किसी सीन में किसी हीरोइन को किस नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा। वहीं कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने लिप किस कभी नहीं किया, उन्होंने भी नो लिप किस क्लॉज साइन किया होगा, लेकिन अब उन्होंने अपना ये नो किस क्लॉज तोड़ दिया। इसमें शाहरुख खान का नाम आता है जिन्होंने जब तक है जान में पहली बार कटरीना कैफ को किस किया था और अपना ये क्लॉज तोड़ दिया। इसके अलावा अजय देवगन ने भी अपनी फिल्म शिवाय में अपनी हीरोइन इरिका फर्नांडिस को किस किया है, वो भी पूरे एक मिनट तक। जी हाँ, और आमिर खान की बात करें तो यार वो तो किस करने से नहीं शर्माते, वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान है, और अगर डिमांड हो किसी स्क्रिप्ट की तो वो किस करने से नहीं घबराते। और उन्होंने राजा हिंदुस्तानी में आपने देखा ही होगा बॉलीवुड का सबसे लंबा किसिंग सीन दिया था करिश्मा कपूर के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको सलमान भाईजान की आदत कैसी लगती है? क्या आप चाहते हैं कि सल्लू किसी फिल्म में किसी हीरोइन को किस करे? और अगर हाँ तो किस हीरोइन का किस आप देखना चाहते हैं उनके साथ, ये जरूर बताइएगा। साथ ही वांटेड 2 का आपको कितना इंतजार है नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख डालिए। और इसी तरह के दूसरे दिलचस्प वीडियोस के लिए, बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड। क्या वांटेड 2 की तैयारियों में लग चुके हैं सलमान खान? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, बोनी कपूर द्वारा निर्मित फिल्म वांटेड ने सलमान खान के डूबते करियर को फिर से उठा दिया था और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऐसी सफलता हासिल की जैसे उन्होंने अपने पूरे करियर में नहीं की थी। इसके बाद से ही वांटेड 2 के सीक्वल की चर्चा है, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ती जाती है। एक बार फिर इस हिट फिल्म के सीक्वल को लेकर बातें हो रही हैं। सूत्रों का कहना है कि सलमान ने प्रभु देवा के साथ मिलकर वांटेड 2 बनाने का प्लान कर लिया है और जल्द ही इस बारे में बताया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि वांटेड 2 के निर्माता बोनी कपूर नहीं होंगे, या तो सलमान अपने घरेलू बैनर तले बनाएंगे या फिर नया निर्माता ढूंढा जाएगा। बोनी के साथ सलमान पर्सनल इश्यू के कारण काम नहीं करना चाहते हैं। ये सभी जानते हैं कि सलमान के भाई अरबाज की एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा के साथ अर्जुन की नज़दीकियां हैं और शायद इसी वजह से सलमान अब बोनी के साथ काम करना नहीं चाहते। वांटेड बनाने के राइट्स बोनी के हाथ में है, लेकिन वो इसको लेकर सलमान को उलझाएंगे नहीं। अगर सलमान राइट्स मांगते हैं तो बोनी ये काम तुरंत कर देंगे। देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वांटेड 2 पर काम स्टार्ट हो जाए तो हमें बताएं नीचे कॉमेंट सेक्शन में। बाकी इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक क्या वांटेड 2 के डायरेक्टर प्रभुदेवा होंगे? बोनी कपूर इस बार वांटेड 2 में किस हीरो को कास्ट करना चाहते हैं और इस फिल्म का फर्स्ट लुक कब रिलीज हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आजकल बॉलीवुड के सुपरस्टार यानी कि सलमान खान और प्रभुदेवा दबंग 3 फिल्म साथ कर रहे हैं। सबसे खास बात है कि प्रभुदेवा 10 साल के बाद सलमान खान से जुड़े हैं, तो इसीलिए उम्मीदें की जा रही है कि ये फिल्म रिलीज के साथ ही धमाल मचाने वाली है। आपको बता दें, ये फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज होने वाली है। तो इसी बीच अगर बात करें सलमान खान की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म की यानी कि वांटेड की, तो वांटेड वो फिल्म है जिसने सलमान खान के डूबते करियर को एक नई उड़ान दी थी और यही वजह है कि ये फिल्म सलमान खान के दिल के भी बेहद करीब है। तो जहां आजकल फिल्मी गलियारों में इस फिल्म के सीक्वल की चर्चाएं जोरों शोरों पर है, तो ऐसे में सलमान खान और प्रभु देवा का नाम साथ में आना तो लाजमी है। लेकिन जहां सलमान खान की एक तरफ बढ़ती उम्र है तो दूसरी ओर बॉलीवुड के नए नए सुपरस्टार का उदय भी हो रहा है। लेकिन इस फिल्म में और कोई स्टार नजर आ ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान से बेहतर इस रोल को भला कौन प्ले कर सकता है। इसीलिए जब बोनी कपूर से भी पूछा गया कि वो अपनी इस फिल्म में किस हीरो को कास्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि ऑफ कोर्स सलमान खान, उनसे बेहतर इस रोल को कौन प्ले कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि बोनी कपूर से सलमान खान के रिश्ते आज भी उतने ही अच्छे हैं। थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलती रहती है और सबसे बड़ी बात यह है कि सलमान खान अपने पर्सनल
पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बेहद अलग रखते हैं, जो हर किसी इंसान की सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन होता है। तो वहीं जहां फिल्म में हीरो इंपॉर्टेंट होता है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है फिल्म का विलन। और वैसे भी वॉन्टेड के प्रकाश राज तो आपको अच्छे से याद होंगे। आपको बता दें कि वॉन्टेड 2 में भी उनका एक रोल रखा गया है, और साथ ही साथ साउथ के एक और सुपरस्टार की भी एंट्री हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि शायद इस बार वॉन्टेड 2 में सलमान खान सिर्फ कैमियो ही करते नजर आएंगे। वेल, ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। अब अगर बात करें कि फिल्म का फर्स्ट लुक कब रिलीज होगा, तो आपको बता दें कि दबंग 3 के ट्रेलर के साथ ही इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी रिलीज किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि ये फिल्म अपने फर्स्ट वीकेंड तक 500 करोड़ का कलेक्शन आराम से कर लेगी। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेकर? और आपके लिए एक सवाल कि इस फिल्म में इस बार एक्ट्रेस कौन होनी चाहिए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और क्या 2020 में सलमान करेंगे वांटेड 2 से धमाका? आने वाले दिनों में किन फिल्मों से करेंगे सलमान खान धमाल? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान की ईद 2020 को लेकर बीते कई दिनों से काफी अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं, और उनकी फिल्म को लेकर लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जो कि आपको काफी खुश करने वाली है। बता दें कि सलमान खान ईद 2020 पर फिल्म वांटेड 2 को लेकर धमाका करने वाले हैं। फिल्म फेयर की खबर माने तो सलमान खान और प्रभुदेवा वांटेड को रीमेक कर रहे हैं, जो कि काफी धमाकेदार साबित होगी। गौरतलब है कि वांटेड भी प्रभुदेवा ने ही निर्देशित की थी। हालांकि इस फिल्म को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। सलमान खान इस वक्त फिल्म दबंग 3 को लेकर काफी बिजी हैं, और हाल ही में उन्होंने फिल्म की शूटिंग को खत्म किया है। इसको काफी समय से शूट किया जा रहा था, और सलमान खान ने एक वीडियो जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी थी। सलमान खान इस बीच काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे, क्योंकि उनकी और संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशा अल्लाह भी बंद हो गई थी, और फैंस काफी ज्यादा नाराज हुए थे। फिलहाल सलमान खान दिसंबर 20 के लिए अपनी कमर कस चुके हैं, और विदा लेने से पहले चलिए आज उनकी आने वाली फिल्मों पर और नजर डाल लेते हैं। पहले सलमान खान और आलिया भट्ट ईद 2020 को इंशा अल्लाह के साथ आने वाले थे, लेकिन अब ये फिल्म बंद हो चुकी है। खबर है कि सलमान खान अब सुहेल खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म शेर खान के बारे में सोच रहे हैं। वेट रन रीमेक, इस फिल्म को लेकर काफी वक्त से चर्चा थी, लेकिन फिल्म को लेकर अब शायद सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। टाइगर 3, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद सलमान खान एक बार फिर से टाइगर की तीसरी फिल्म के साथ नजर आएंगे। किक 2, सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस एक बार फिर से फिल्म किक 2 में साथ नजर आएंगे। दोस्तों, सलमान खान से जुड़ी काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है, अलग सवाल है, नया सवाल है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी बॉलीवुड से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सलमान खान रिजेक्टेड वांटेड 2 और ही वाज नॉट अप्रोच्ड फॉर इट। इफ नॉट सलमान खान देन हु? इफ इज नॉट गोइंग टू डू द फिल्म देन हु विल डू इट? वेल, हेलो एवरीवन, आई एम फ्रांसिस ग्रोवर दिस साइड एंड यू आर वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हेदर इट इज सलमान खान, भाईजान, सुल्तान और टाइगर, these are all the names that can earn 100 to 200 in just snap of a finger, and it's kind of universal fact. Well, recently Bhaijaan completed the shooting of Bharat, and now he will shoot Dabang 3 in April. But now the confusion is, Wanted 2. Recently, Salman Khan had a meeting with the producers and writer of Wanted, and they told him the script, but he didn't like it much. That's why he rejected Wanted 2 and the sequel of No Entry. Well, there's a thing with Salman Khan that whenever someone tells him a script, he says yes in just a blink of an eye. And if he says that I'll think about it or I'll tell you later, then my friend, your script wasn't up to the mark. He didn't like it. And I guess that's why he rejected Wanted 2 and the sequel of No Entry. But now the thing is that if Salman Khan is not going to do the film, who will do it? Who will be cast in
Wanted 2 and the sequel of No Entry. Well, if we say about writer and producer, then they have a name in mind. The name is Prabhas. Yeah, the Bahubali guy. But the thing with Prabhas is that he's busy and his schedule is kind of hectic. So, what if Prabhas is cast in the film? Will that film earn as Wanted earned? Will it be a blockbuster as Wanted was? These are some questions that are going through my mind. Now the biggest question. How will producer will convince Prabhas to do this film? And will he do it or some other actor? Well, I don't know that. Only God knows and I'm no God. So will it be Prabhas or some other actor like Tiger Shroff or Varun Dhawan? Maybe. Well, don't know. So now you guys tell me who you want to see in Wanted. Well, that's all for today. That's all the information I can gather on Wanted 2. This video is also available in Hindi, so you can check that the link will be down in this. This video is also available in Hindi, so you can check. Link will be down in the description. And don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to press the bell icon for more notification update. That's all for today. That's all from my side. Peace out. कर दी सलमान खान ने Wanted 2. क्या उन्हें नहीं पसंद आई Wanted 2 की script? आखिरकार अगर ये फिल्म सलमान खान नहीं करेंगे तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। वैसे सलमान खान, सुल्तान खान और भाईजान या टाइगर, ये एक ऐसा नाम है जो बॉक्स ऑफिस पर 100-200 करोड़ तो ऐसे चुटकियां मारते कमा लेते हैं, मानते नहीं मानते। वैसे जनाब इस वक्त भारत की शूटिंग में व्यस्त हैं और इसके बाद अप्रैल में वो दबंग 3 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ बात है Wanted 2 की। हाल ही में सलमान खान को Wanted 2 की स्क्रिप्ट सुनाई गई थी, राइटर ने सुनाई और प्रोड्यूसर्स ने भी, तो उन्हें वो स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। उन्होंने Wanted 2 के लिए और No Entry के सीक्वल के लिए साफ मना कर दिया। अगर सलमान खान को कोई स्क्रिप्ट सुनाता है तो वो पल भर में, एक चुटकी में या चंद सेकंड में वो हामी भर देते हैं। अगर वो ये कहे सोच कर या कल बताऊंगा या आने वाले वक्त में, तो समझ जाइएगा कि सलमान खान को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई है। वो कहते हैं ना कि मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। सलमान खान ये बात कहते हैं तो ये सही बात है। सलमान खान स्क्रिप्ट को लेकर फैसला चंद मिनटों में कर देते हैं। तो यही वजह है कि सलमान खान ने Wanted 2 और No Entry के सीक्वल के लिए साफ मना कर दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सलमान खान ने Wanted 2 और No Entry के लिए तो मना कर ही दिया, तो इसमें सलमान खान की जगह कौन होगा? वैसे प्रोड्यूसर्स ने और बाकी कुछ फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े कुछ बड़े लोगों ने एक नाम अप्रोच किया है, प्रभास का। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रभास बहुत व्यस्त है। आपको क्या लगता है, अगर प्रोड्यूसर्स ने प्रभास को अप्रोच कर लिया या प्रभास Wanted 2 में आ गए, क्या वो Wanted 2 को इतनी सफल फिल्म बना पाएंगे जो कि सलमान खान ने बनाई थी? तो मेरा सवाल यह है, क्या प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर प्रभास को ला पाएंगे Wanted 2 में, या फिर आपके हिसाब से सलमान खान की जगह किस एक्टर को लेना चाहिए? आप हमें अपनी राय जरूर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना। हेलो दोस्तों, मैं अवध और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीक्रांड स्टूडियोज की एक और नई पेशकश में। जी हाँ दोस्तों, Wanted 2 की तैयारी शुरू। सलमान ने दिया ग्रीन सिग्नल। बात 2009 की है, सलमान बुरे दौर से गुजर रहे थे, फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, सलमान को खत्म मान लिया गया था। इसी बीच एक फिल्म दबे पांव रिलीज हुई, नाम था Wanted। सोचा भी नहीं था कि किसी ने, और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। बस तब से सलमान ने पीछे पलट कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सुल्तान तक जा पहुंचे। Wanted बनाई थी प्रभु देवा ने, मसाला फिल्म बनाने में वो माहिर हैं। लगा कि जल्द ही सलमान के साथ दूसरी फिल्म बनाएंगे, लेकिन 7 वर्ष गुजर गए और दोनों ने साथ काम नहीं किया। प्रभु देवा ने कई बार इच्छा जताई कि वे सलमान को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर सलमान खान दूसरे प्रोजेक्ट्स को लेकर इतने बिजी हो गए कि प्रभु देवा की इच्छा पूरी ही नहीं कर पाए। अच्छी खबर यह है कि अब ये दोनों साथ काम करने जा रहे हैं। प्रभु देवा और सलमान खान की फिल्म की योजना बन चुकी है, डेट्स भी तय हो चुकी हैं, हालांकि इसमें समय लगेगा। प्रभु देवा ने बताया कि किस तरह फिल्म होगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि Wanted 2 हो सकती है। एक नई कहानी के साथ इसे पेश किया जा सकता है।
वांटेड के निर्माता बोनी कपूर थे और वो भी सलमान के साथ लंबे समय से फिल्म बनाना चाह रहे हैं। बोनी को निर्माता बनाकर ये प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कि वांटेड 2 बननी चाहिए या नहीं, उसके डायरेक्टर प्रभु देवा हो या कोई और, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस। फ्रेंड्स, मैं गरिमा और आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में, जहाँ मैं बात करने जा रही हूँ बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जो हम सभी के चहेते हैं, जिनसे हम सब बहुत प्यार करते हैं। जरा सोचिए मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, आप एकदम सही सोच रहे हैं, सलमान खान। मैं सलमान खान की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ 2009 की, जब सलमान खान बुरे दौर से गुजर रहे थे। फिल्में लगातार फ्लॉप जा रही थी, सलमान खान को खत्म सा मान लिया गया था। इसी बीच दबे पाओ एक फिल्म रिलीज हुई, नाम था वांटेड। किसी ने सोचा भी नहीं था और फिल्म सुपर हिट हो गई। बस तभी से सलमान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां वो लगातार चढ़ते गए और सुल्तान तक जा पहुंचे। वांटेड फिल्म बनाई थी प्रभु देवा ने। मसाला फिल्में बनाने में वो काफी माहिर है। लगा कि सलमान के साथ वो जल्द ही एक दूसरी फिल्म बनाएंगे, पर सलमान के व्यस्त होने की वजह से वो इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सके। अब सूचना ये आ रही है कि जल्द ही वो दोनों एक साथ नई फिल्म करने वाले हैं। जी हाँ, प्रभु देवा और सलमान की फिल्म की योजना बन चुकी है। डेट तय होते ही काम शुरू हो जाएगा, हालांकि इसमें अभी वक्त लगेगा। प्रभु देवा ने ये बताया नहीं कि मूवी किस तरह की होगी, पर सूचना ये है कि वांटेड 2 हो सकती है और ये एक नई कहानी के साथ पेश की जा सकती है। वांटेड के निर्माता बोनी कपूर रहे। बोनी कपूर भी लंबे समय से सलमान खान के साथ एक फिल्म करना चाह रहे हैं, तो बोनी कपूर को निर्माता बनाकर इस फिल्म का प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। और सलमान खान ने ये घोषित किया है कि वो प्रभु देवा के साथ दबंग 3 मूवी करने वाले हैं। और सलमान खान ने इस बात की पुष्टि की है कि वो अपनी भारत फिल्म के बाद प्रभु देवा के साथ दबंग 3 की शूटिंग शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कि वांटेड 2 मूवी बने या नहीं। मैं तो बिल्कुल खान एक्टर क्यों नहीं बनना चाहते। सलमान खान की वांटेड 2 कब शुरू होने वाली। सलमान खान ने जब फिल्मी करियर की शुरुआत की थी तो कितने किलोग्राम के थे। उन्होंने किस फिल्म के लिए दुआ मांगी कि दर्शक उनकी ये फिल्म ना देखे। उनसे किसने कहा कि तुम्हारे साथ जो हमेशा खड़ा रहेगा वो तुम ही हो। वांटेड फिल्म की कहानी क्या है और वांटेड 2 फिल्म की कहानी क्या होगी। आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। सलमान खान का फिल्मी सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उनके करियर में कई बार ऐसा समय आया जब लगा कि करियर खत्म होने के कगार पर है। ये बात 2007 की, जब उनके फिल्म पार्टनर सुपरहिट रही, वे छा गए थे। लेकिन उसके बाद उनकी फिल्मों को लेकर खराब चॉइस की वजह से उनके स्टारडम को खतरा पैदा हो गया। उनकी युवराज भी फ्लॉप हो गई। सलमान खान का नाम आज बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में शामिल है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियां सलमान खान के साथ काम करना चाहती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान का सपना एक्टर बनने का नहीं था। अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले सलमान खान पहले निर्देशक बनना चाहते, लेकिन परिस्थितियों की वजह से उन्हें एक्टर बनना पड़ा। क्या आप जानते हैं वो कैसे फिल्म जगत से जुड़ गए। इस सवाल का जवाब देते हुए सलमान खान कहते हैं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता, पहले मैं असिस्टेंट था, उसके पहले मैं मॉडलिंग किया करता था। उस वक्त जो फिल्में बनती थी वो मोहल्ले का दादा, पुलिस इंस्पेक्टर, लॉयर, इस तरह के जॉनर की बनती थी। मैं इन फिल्मों में हीरो के लिए फिट ही नहीं था। पहले मैं 48 किलो का हुआ करता था। मैं लोगों के पास अपनी स्क्रिप्ट लेकर जाता था तो लोग बोलते थे, नहीं अभी बहुत यंग हो। सलमान बताते हैं, उसी समय फिल्म बीबी हो तो ऐसी ऑफर हुई। मैंने स्क्रिप्ट को सुनकर मैंने फिल्म साइन कर ली, लेकिन फिल्म में अपना काम देखा तो मैंने दुआएं मांगी कि कोई फिल्म ना देखे। पहली बार कोई ऐसा एक्टर होगा जिसने पहली फिल्म के लिए दुआएं मांगी होगी कि कोई फिल्म ना देखे। इसके बाद फिल्म आई मैंने प्यार किया और इसके बाद मैंने वापस कर नहीं देखा। सलमान खान कहते हैं, एक समय ऐसा आया कि मैंने काम छोड़ दिया और पार्टी में बिजी हो गया। एक दिन पापा ने मैंने प्यार किया को देखने के लिए लगी सिनेमा घरों की भीड़ को देखकर फोन किया। मैं उनके रिएक्शन को देखने के लिए उत्साहित। करीब रात के 2:30 बज रहे तभी मेरी माँ कमरे में आई और कहा, तुझे क्या लगता है कि तू स्टार बनेगा। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, आप बताओ। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ लगाया और कहा, तुम्हारे साथ जो हमेशा खड़ा रहेगा वो तुम ही हो और कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये बात
2009 की सलमान खान बुरे दौर से गुजर रहे थे। फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। सलमान खान को खत्म मान लिया गया था। इसी बीच एक फिल्म दबे पांव रिलीज हुई, नाम था वांटेड। सोचा भी नहीं था कि किसी ने, और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। बस तब से सलमान खान ने पीछे पलट कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सुल्तान तक जा पहुंचे। सुल्तान बनने के बाद तो टाइगर का रूप ले लिया। अब पुनर्जन्म होगा सिकंदर का रेस 3 में। वांटेड बनाई थी प्रभु देवा ने। मसाला फिल्म बनाने में वे माहिर हैं। लगा कि जल्द ही सलमान खान के साथ दूसरी फिल्म बनाएंगे, लेकिन कई वर्ष गुजर गए और दोनों ने साथ काम नहीं किया। प्रभु देवा ने कई बार इच्छा जताई कि वे सलमान खान को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर सलमान खान दूसरे प्रोजेक्ट में इतने व्यस्त हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी ही नहीं कर पाए। अब जाकर दोनों साथ काम करने जा रहे हैं। प्रभु देवा और सलमान खान की फिल्म की योजना बन चुकी है। डेट तय होते ही काम शुरू होगा, हालांकि इसमें समय लगेगा। प्रभु देवा ने ये नहीं बताया कि किस तरह की फिल्म होगी, लेकिन अगर मीडिया खबरों की बात माने तो वांटेड 2 हो सकती। एक नई कहानी के साथ इसे पेश किया जा सकता है। वांटेड के निर्माता बोनी कपूर थे और वो भी सलमान खान के साथ लंबे समय से फिल्म बनाना चाह रहे थे। बोनी को निर्माता बनाकर ये प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। वांटेड तेलुगु फिल्म पोकरी की रिमेक थी। आज चारों ओर रेप जैसी घटना आम हो गई। अब बात करते हैं वांटेड फिल्म कैसी थी, जिसने सलमान खान को फिर से सुपरस्टार बना दिया। सिनेमा घर में अंधेरा होते ही सलमान खान का शो शुरू हो जाता है। सलमान खान की एंट्री होती है एक्शन सीन से। एकदम दीवार के अमिताभ के स्टाइल में सलमान शटर गिराते हैं और उस पर ताला गुंडे लगाते हैं। उसके बाद उन 20-25 आदमियों की सल्लू जोरदार तरीके से धुलाई करते हैं। धांसू एक्शन सीन के तुरंत बाद धांसू गाना। गणेश जी की मूर्ति के सामने सलमान जलवा गाने पर ठुमके लगाते हैं। एक्शन और गाने से निर्देशक ने दिखा दिया कि राधे किस तरह का आदमी है। वो लोगों को गाजर मूली की तरह काटता है और भगवान के आगे सिर झुकाता है। राधे यानी सलमान खान एक शूटर, उसके चमचे उसे ब्रूसली का नाना और रैम्बो का चाचा कहते हैं। तुम जिस स्कूल में पढ़े हो उसका हेडमास्टर मेरे से ट्यूशन लेता, जैसे घिसे पीटे डायलॉग भी वो बोलता है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन टैरिये उसके भी कुछ उसूल है। औरतों और बच्चों पर वो हाथ नहीं उठाता, जो काम पसंद आता है वही करता है। शराब और खून जब इच्छा हो तब पीता है, और वो भी दबा के। गुटके को मौत का सामान मानता है। एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर वो अपने भी नहीं सुनता। एक्शन के बीच रोमांस भी जरूरी है। इस गुंडे नुमा शख्स के स्टाइल पर लड़कियां मरती हैं, क्योंकि हथियार से वो बहुत अच्छी तरह खेलता है। तुम गुंडे हो लेकिन दिल के अच्छे हो, कहकर इस हत्यारे पर जानवी यानी कि आयशा टकिया फिदा हो जाती है। लेकिन राधे के क्रूर रूप को देख कर वो सिहर उठती। मोटी ताजी जानवी पर दो लोग और फिदा है। अधेड़ उम्र का मकान मालिक यानी मनोज पावा, जो बीच बीच में दर्शकों को हंसाता है, और इंस्पेक्टर तलपदे यानी कि महेश मांजेकर, जिसकी हरकतों पर दर्शकों को गुस्सा आता है। गानी भाई यानी कि प्रकाश राज के लिए राधे काम करता है और उनके दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। गानी भाई के खास आदमी का मर्डर हो जाता है और लड़कियों की कुश्ती देखने के शौकीन गानी भाई विदेश से भारत चले आते हैं। यहाँ आकर उन्हें खास राज मालूम पड़ता है, जिससे उनकी और राधे की दुश्मनी हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट आता है और खून खराबे के पीछे राधे का मकसद क्या है, ये सभी को पता चलता है। तमिल फिल्म पोगरी पर आधारित वांटेड की कहानी धागे जैसी पतली है, उसमें नयापन भी नहीं है। आगे क्या होने वाला है ये सभी को पता रहता है। क्लाइमेक्स के थोड़ा पहले तक कहानी आगे खिसकती भी नहीं है, फिर भी फिल्म में रुचि बनी रहती है, क्योंकि निर्देशक प्रभु देवा ने दृश्यों को असेंबलिंग बहुत ही उम्दा तरीके से किया है। दर्शाया है। एक्शन, हास और रोमांस का मिश्रण बिल्कुल बराबर मात्रा में किया गया है। साथ ही उन्होंने सलमान खान को बेहतरीन तरीके से पेश किया है। सलमान के ढेर सारे प्रशंसक उन्हें इसी रूप में देखना पसंद करते। सलमान की जो इमेज है वो राधे के किरदार से बिल्कुल मेल खाती है। अखड़, थोड़ा बिगड़े लेकिन दिल का हीरा, बेखौफ, लार्जर देन लाइफ सी शख्सियत, अपनी मर्जी से जीने वाला, स्टाइलिश, औरतों की इज्जत करने वाला। लगता ही नहीं कि सलमान खान एक्टिंग कर रहे हैं। पूरी फिल्म में सलमान का प्रभुत्व। सल्लू की हीरोगिरी दिखाने के लिए स्क्रिप्ट की खामियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। सलमान खान के कारण दर्शक उन गलतियों को पचा लेते। सलमान पर सैकड़ों गोलियां चलती हैं और उन्हें खरोंच तक नहीं आती। वांटेड देखते समय दर्शक इन बातों की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनके हीरो को गोली छू भी नहीं सकती। एक्शन इस फिल्म का प्रमुख आकर्षण। कई एक्शन स्टंट बेहतरीन बन पड़े हैं, जिनमें सलमान की एंट्री वाला सीन, आयशा को ट्रेन में छेड़ने वाले गुंडों की पिटाई वाले सीन और फिल्म का क्लाइमेक्स उल्लेखनीय है। संगीत की बात की जाए तो जलवा और
और लव मी उम्दा है। हर गाने का फिल्मांकन खूबसूरत लोकेशंस पर भव्य तरीके से पेश किया गया है। तकनीकी रूप से फिल्म सशक्त, ऐसा टाकिया ने सलमान का साथ उम्दा तरीके से निभाया। गनी भाई के रूप में प्रकाश राज ने अपनी छाप छोड़ी। पुलिस की गिरफ्त में रहकर उन्होंने खूब हंसाया। महेश मांजरेकर को देख नफरत पैदा होती और यही उनकी कामयाबी है। विनोद खन्ना ने भी अपना प्रभाव छोड़ा। यदि आप एक्शन फिल्म पसंद करते हैं और सलमान खान के प्रशंसक हैं, तो वांटेड आपके लिए तीखे मसालों के साथ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वांटेड तीखे मसालों की तरह है तो वांटेड 2 आज के दौर की सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम की तरह होगी। तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताइए कि वांटेड 2 का कितना इंतजार है आपको। वांटेड के सीक्वल को हॉलीवुड एक्शन मूवीज के स्तर पर लाने के लिए क्या किया जा रहा है? इस सीक्वल को 400 करोड़ी फिल्म के रूप में क्यों देखा जा रहा है? साल 2018 के पहले 6 महीने किन 3 रियल लाइफ जोड़ों के नाम रहा? 2020 बॉलीवुड के सबसे बड़ा साल के रूप में क्यों देखा जा रहा है? सलमान खान किन अपनी 5 फिल्मों के सीक्वल में काम नहीं करेंगे? आपका स्वागत करते हैं बॉलीग्राड के गलियारे में। सलमान खान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। उनके साथ काम करने की चाहत लगभग हर एक बॉलीवुड डायरेक्टर अपने सीने में पाले बैठा है, खास करके वो डायरेक्टर्स जो सलमान खान के साथ एक सुपरहिट फिल्म बना चुके हैं। इन डायरेक्टर्स का मानना है कि अगर उन्हें एक बार फिर से सलमान खान का साथ मिल जाए तो वो बॉक्स ऑफिस पर दोबारा इतिहास रच सकते हैं। हालांकि सलमान खान ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, वो नई कहानियों पर यकीन करते हैं और बदलते सिनेमा के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अगर आप भी सलमान भाई के इस डायलॉग के कायल हैं, तो आपको वांटेड भी याद होगी। फिल्म में भाई का जलवा बेमिसाल था। इस फिल्म का सीक्वल प्लान किया गया तो एक बार फिर सलमान के फैंस एक्साइटेड हो गए। फिल्म निर्माता बोनी कपूर लंबे समय से अपनी 2009 की हिट फिल्म वांटेड का सीक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन सलमान खान की हां के इंतजार में वक्त बीतता जा रहा है। अब उन्होंने सलमान खान का इंतजार ना करने का फैसला कर लिया है। पिछले कुछ समय से सीक्वल की चर्चाएं हैं और ये भी कहा गया है कि सलमान बोनी को जानबूझकर इंतजार करा रहे हैं। इसकी वजह बोनी के बेटे अर्जुन कपूर हैं, जिनसे सलमान की नाराजगी जग जाहिर है। पिछले दिनों फिल्म रेस 3 के प्रमोशन के दौरान सलमान ने अपनी आने वाली फिल्मों के नाम गिनाए थे और उनमें वांटेड 2 का नाम नहीं लिया। संभवतः यही कारण है कि बोनी ने अब वांटेड 2 के लिए सलमान की जगह दूसरे एक्टर की खोज शुरू कर दी है और कुछ दिनों से टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आ रहा है। वांटेड एक्शन फिल्म थी और टाइगर श्रॉफ आज सबसे प्रतिभाशाली एक्शन स्टार के रूप में उभरे हैं। हाल में खुद सलमान ने उनकी तारीफ की थी। सूत्रों का कहना है कि बोनी ने निर्देशक प्रभु देवा से मिलकर पिछले दिनों बात की और कहा कि वांटेड के सीक्वल के लिए टाइगर को लिया जा सकता है। इसके बाद टाइगर से बोनी और उनकी टीम ने बातचीत की। कहा जा रहा है कि बोनी ब्लॉकबस्टर बनी बागी 2 के बाद टाइगर की इमेज को भुनाना चाहते हैं। तय है कि अगर टाइगर वांटेड में आते हैं तो इससे फिल्म को फायदा होगा। बोनी के करीबी सूत्र कह रहे हैं कि वांटेड 2 के लिए उनके पास बढ़िया कहानी है और टाइगर ने स्क्रिप्ट सुनने के लिए हाँ कर दी थी। बोनी फिल्म की बागडोर पहले ही प्रभु देवा को सौंप चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 2009 में वांटेड ने ही सलमान को उस वक्त चल रहे उनके खराब दौर से उबारा था और इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूत्रों के मुताबिक टाइगर ने अभी तक हाँ नहीं की है और उधर प्रभु देवा भी इन दिनों सलमान खान की दबंग 3 की प्री प्रोडक्शन में व्यस्त है। इस सीक्वल को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जैसे सलमान खान को लेकर खबरें तो आती रहती थी, लेकिन बाद में जॉन इब्राहिम, टाइगर श्रॉफ के बाद हमारे सिंघम का नाम भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ दिया गया है। हालांकि अजय देवगन अभी तानाजी फिल्म में व्यस्त है, क्योंकि तानाजी बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म के रूप में देखी जा रही है। फिलहाल अजय देवगन ने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मीडिया खबरों पर विश्वास किया जाए तो अभी तक अजय देवगन ही फाइनल है, क्योंकि वांटेड के सीक्वल को इंटरनेशनल एक्शन फिल्म की तरह बनाने की योजना की जा रही है। इसलिए अजय देवगन से बढ़िया एक्शन सुपरस्टार कोई और नहीं हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है।
हालांकि सलमान खान के इस सफर के बीच कई बार उनकी हिट फिल्मों के सीक्वल्स की खबरें आती रहती हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये खबरें निराधार होती हैं। सलमान खान दबंग 3 के अलावा अपनी किसी भी फिल्म का सीक्वल नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको भाईजान की ऐसी 5 फिल्मों की लिस्ट दिखाएंगे जिनके सीक्वल की खबरें लगातार आती रहती है। बॉलीवुड कलाकार और डायरेक्टर सतीश कौशिक ने साल 2003 में सलमान खान के साथ तेरे नाम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। इस फिल्म ने सलमान खान के करियर को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था। जब ये फिल्म सिनेमाघरों में लगी थी तब हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, राधे भैया। तेरे नाम की रिलीज के बाद से ही दर्शक इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बता दें, भाईजान तेरे नाम 2 में काम करने के मूड में नहीं है। हाल के सालों में रिलीज हुई सलमान खान की सुल्तान बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। इसे डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने बनाया था। जैसे ये फिल्म सिनेमाघरों में हिट हुई हर कोई इसके सीक्वल के बारे में बात करने लगा। हालांकि सुल्तान के निर्माता इसका सीक्वल बनाने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। फिल्म बजरंगी भाईजान में दर्शकों को सलमान खान का सीधा साधा अंदाज काफी पसंद आया था। दर्शकों ने डायरेक्टर कबीर खान से बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनाने की गुजारिश कई बार की है, लेकिन वो इसे बनाने की नहीं सोच रहे हैं। करीना कपूर खान और सलमान खान की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर जब जब आती है तब तब धमाल मचाती है। बॉडीगार्ड के साथ भी ये सिलसिला जारी रहा था। दर्शकों को बॉडीगार्ड खूब पसंद आई थी, जिसके बाद इसके सीक्वल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। हालांकि बॉडीगार्ड 2 अभी नहीं बन रही है। सलमान खान की फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार नहीं कर रही थी तब प्रभु देवा ने भाईजान के साथ वांटेड फिल्म बनाई थी। ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होते ही हिट साबित हुई और इसके सीक्वल के कयास लगाए जाने लगे। हम आपको बता दें कि भाईजान वांटेड 2 कभी भी नहीं करने वाले हैं। फिल्म रेस 3 को प्रमोट करते वक्त उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था। साल 2018 के पहले 6 महीने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। इन 6 महीनों में बॉलीवुड ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। इन फिल्मों को न केवल दर्शकों ने दिल खोलकर प्यार दिया है बल्कि इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी ताबड़तोड़ कमाई की है। इस साल की बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का प्रदर्शन कर रही हैं उनसे इंडस्ट्री के फिल्मकारों को ये शक्ति मिली है कि वो बिग बजट फिल्मों पर दांव खेल सकते हैं। बीते कुछ महीनों में हमने ये देखा भी है कि इंडस्ट्री ने कई सारी बिग बजट फिल्मों का ऐलान किया है। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बॉलीवुड के द्वारा साल 2020 में रिलीज की जाने वाली उन 5 फिल्मों की लिस्ट दिखाएंगे जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स की छड़ी लगाकर रख देंगी। पहली है इंसा अल्लाह, ईद 2020। साल 2020 की पहली बड़ी फिल्म सलमान खान और संजय लीला भंसाली की इंसा अल्लाह होने वाली है। दोनों लगभग 11 साल के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाने जा रहे हैं। सलमान संजय ने खामोशी, संवरिया और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों में साथ काम किया। फिल्म इंसा अल्लाह के बारे में वैसे तो ज्यादा जानकारी हाथ नहीं लगी है, लेकिन बताया जा रहा है कि भंसाली की तरफ से एक और पीरियड ड्रामा हो सकती है। दूसरी है समसेरा, 31 जुलाई 2020। हाल ही में यशराज बैनर ने अपनी बिग बजट पीरियड ड्रामा शमशेरा की रिलीज डेट का ऐलान किया है। इस फिल्म में संजय दत्त और रणबीर कपूर पहली बार हाथ मिलाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शमशेरा की कहानी 18वीं सदी की होगी, जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। रणबीर कपूर इसमें एक डाकू का किरदार निभाते दिखेंगे। फिल्म में आदित्य चोपड़ा की पसंदीदा हीरोइन वाणी कपूर रणबीर कपूर के अपोजिट दिखाई देंगी। तीसरी फिल्म है रणभूमि, दिवाली 2020। कुछ महीनों पहले ही करण जौहर ने वरुण धवन की इस फिल्म का ऐलान किया है। डायरेक्टर शशांक खेतान के द्वारा बनाई जा रही इस फिल्म में वरुण धवन एक योद्धा का किरदार निभाते दिखेंगे। ये वरुण धवन के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है। रणभूमि के लिए किसी हीरोइन का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें आलिया भट्ट एक बार फिर से वरुण के साथ दिखाई दे सकती है। चौथी है रैम्बो, अक्टूबर 2020। टाइगर श्रॉफ की रैम्बो को लेकर बीते दिनों ऐसी खबरें सामने आई थी कि ये बंद होने की कगार पर है।
हालांकि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने अपने मीडिया इंटरेक्शन में ये साफ किया है कि ये फिल्म बंद नहीं हुई है बल्कि कुछ समय के लिए टली है। टाइगर श्रॉफ और सिद्धार्थ आनंद रेमो को साल 2019 के मध्य में शुरू करेंगे और साल 2020 में रिलीज करेंगे। पांचवें नंबर पर है क्रिस फोर क्रिसमस 2020। साल 2020 की शुरुआत भाई जान अपनी फिल्म के साथ करेंगे लेकिन इसका अंत ऋतिक रोशन करेंगे। राकेश रोशन ने इसी साल ऋतिक के जन्मदिन पर इस बात का ऐलान किया था कि वो क्रिस फोर को साल 2020 के क्रिसमस पर रिलीज करेंगे। राकेश रोशन ने मीडिया को ये भी बताया था कि प्रियंका चोपड़ा भी क्रिस फोर का हिस्सा होंगी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने साल 2018 के पहले 6 महीने का सफर पूरा कर लिया है। साल के फर्स्ट हाफ में जो फिल्में रिलीज हुई हैं उनकी कमाई को देखकर ये कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट में चल रही है। जहां बीते साल बड़ी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूल चढ़ती नजर आई थी वहीं इस साल हर बड़ी फिल्म ने अच्छे आंकड़े दर्ज कराए हैं। ये बॉलीवुड के लिए सकारात्मक संकेत है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि 2018 के बचे हुए 6 महीने भी इंडस्ट्री के लिए अच्छे जाएंगे। अगर साल 2018 के पहले 6 महीने में रिलीज हुई फिल्मों की लिस्ट देखें तो एक बहुत ही गजब बात पता चलती है। इन 6 महीनों में 90 के दशक के किसी बड़े कलाकार की फिल्म ने चौंकाने वाली कमाई नहीं की है। इसके उलट नई जनरेशन के कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा। इन नए कलाकारों में से भी 3 रियल लाइफ जोड़ियां लोगों के दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छाई रही हैं। आज हम आपको इन्हीं 3 जोड़ियों की फिल्मों और उनके द्वारा की गई कमाई के बारे में बताएंगे। पहली जोड़ी है रणबीर और आलिया की। संजू और राजीव, कमाई 325 करोड़ 98 लाख रुपए। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों बॉलीवुड की नई जनरेशन के सबसे बेहतरीन कलाकार हैं। इन्होंने अपनी अदाकारी से करोड़ों लोगों को दीवाना बनाया। साल 2018 में ये दोनों एक साथ नहीं आए लेकिन इन दोनों की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई है। जहां आलिया की राजी ने सिनेमाघरों में 123 करोड़ 47 लाख रुपए का कारोबार किया था वहीं रणबीर कपूर की संजू मात्र 7 दिनों में 202 करोड़ 51 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी थी। दूसरी जोड़ी है रणबीर और दीपिका की। फिल्म पद्मावत, कमाई 302 करोड़ 15 लाख रुपए। पद्मावत साल 2018 की सबसे विवादित और सबसे सफल फिल्म रही। इस साल आई किसी भी फिल्म की रिलीज पर इतना विवाद नहीं हुआ। इस फिल्म में जहां रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था वहीं दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती का किरदार निभाया था। इन दोनों ही कलाकारों को फिल्म के लिए काफी सराहना मिली थी। रणबीर और दीपिका के साथ साथ इसमें शाहिद कपूर भी थे जिन्होंने राजा रतन सिंह का किरदार निभाया था। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 302 करोड़ 15 लाख रुपए की ताबड़तोड़ कमाई की थी। और तीसरी जोड़ी है टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की। फिल्म बागी 2, कमाई 164 करोड़ 38 लाख रुपए। साल 2018 की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई कलाकार है तो वो टाइगर श्रॉफ है। उनकी बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का तहलका मचाया था उससे साफ हो गया है कि बॉलीवुड को एक नया मास स्टार मिल गया है। फिल्म बागी 2 में दिशा पटानी की अदाकारी को भी सराहा गया था। दोनों कलाकार काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन इन्होंने बागी 2 के लिए पहली बार हाथ मिलाया था। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि वांटेड के सीक्वल में किस हीरो को होना चाहिए, सलमान खान, अजय देवगन या टाइगर श्रॉफ। अगर ये फिल्म बनती है तो 18 सितंबर 2009 क्यों है खास सुपरस्टार सलमान खान के लिए। बोनी कपूर वांटेड 2 क्यों बनाना चाहते हैं और वांटेड 2 के लिए बोनी कपूर किसे कास्ट करना चाहते हैं, तो चलिए दोस्तों चलते हैं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में जहां मैं बात करूंगा वांटेड 2 के बारे में और यह भी बात करूंगा कि वांटेड बॉलीवुड की कल्ट फिल्म क्यों है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि वांटेड को डायरेक्ट किया था प्रभु देवा ने। प्रभु देवा जो कि एक डांसर थे और बाद में उन्होंने फिल्मों में भी अभिनय की शुरुआत की लेकिन अभिनय में वो ज्यादा सफल नहीं हुए। इसी कारण से उन्होंने सोचा क्यों ना पर्दे पर
लोगों को नचाया जाए, लोगों से अभिनय करवाया जाए। तब प्रभु देवा ने सोचा, क्या सलमान खान के साथ कोई फिल्म बनाई जा सकती है? फिर वो मिले बोनी कपूर से, क्योंकि बोनी कपूर जो थे वांटेड के निर्माता थे। फिर बोनी कपूर ने प्रभु देवा का प्रस्ताव मान लिया। फिर इन दोनों ने मिल करके जाके बात की सलमान खान से, और ये वो दौर था जब सलमान खान का करियर डगमगाया हुआ था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस दौर में सलमान खान थोड़ा सा डरे हुए थे, और इस फिल्म की कास्ट थी खुद सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर। ये महेश मांजेकर वही हैं जिन्होंने संजय दत्त के साथ वास्तव फिल्म बनाई थी, और इस फिल्म में हमारे भाई जान ने एक आईपीएस अफसर की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म तेलुगु फिल्म पोकरी का रिमेक है, जो कि तमिल फिल्म देवा की रिमेक है। इस फिल्म का बजट 35 करोड़ रुपए रखा गया था, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 91 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म की शुरुआत इस प्रकार से होती है। इस फिल्म में सलमान खान को एक टपोरी लड़के के रूप में दिखाया गया है, जो कि गली का एक मामूली सा गुंडा होता है, और इस फिल्म में सलमान खान का नाम होता है राधे। राधे ये वही नाम है जो सलमान खान की सुपरहिट फिल्म तेरे नाम में था। और सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि सलमान खान अपनी फिल्मों में राधे नाम क्यों रखना चाहते हैं। राधे राधे, आप तो आप समझ गए होंगे कि राधे राधे का मतलब क्या होता है, लॉर्ड कृष्णा। अब लॉर्ड कृष्णा जो है वो पहले से ही सोसाइटी में मौजूद है, और जैसे आप राधे नाम रखते हैं आपका डायरेक्ट संबंध सोसाइटी से हो जाता है। इसीलिए सलमान खान की जिस फिल्म में सलमान खान का नाम राधे है वो फिल्म सुपर हिट हुई है। अब आपको हम आगे बात करते हैं कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। स्टोरी में बहुत सारे क्रिमिनल होते हैं जो हिंदुस्तान को एक प्रकार से तबाह करना चाहते हैं, यहां पर भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं। एक डॉन होता है, और उस डॉन की भूमिका निभाते हैं प्रकाश राज, और प्रकाश राज हिंदुस्तान में नहीं रहता है, हिंदुस्तान के बाहर रहता है। और इसमें एक पुलिस अफसर होता है, वो चाहता है कि किस प्रकार से प्रकाश राज को हिंदुस्तान बुलाया जाए, और वो पुलिस अफसर कामयाब होता है। और उस मिशन को कामयाब करने के लिए वो पुलिस अफसर उन्हीं की गैंग में शामिल होकर के उन्हीं की गैंग को लोगों को मारता है। ये बात धीरे धीरे उस डॉन को पता चलती है। जब उस डॉन को यह बात पता चलती है तो ये जानना चाहता है कि हिंदुस्तान में कौन है जो उसके वर्चस्व को ललकार रहा है। जब वो यहां पर आता है तो पूर्ण रूप से फंस चुका होता है। तब उसे पता चलता है एक अदना सा पुलिस अफसर, और उसके खिलाफ वो साजिश रचता है, और इस साजिश में उस पुलिस अफसर के भाई की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ कहानी के अलावा एक प्रेम कहानी है, वो लाजवाब है। क्योंकि सलमान खान की फिल्मों में प्रेम कहानी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आयशा टाकिया और आयशा टाकिया ने लाजवाब अभिनय किया था। सबसे पहली बात तो इसमें जो महेश मांजेकर है ना, ओहो कमाल का अभिनय किया है भाई। ये तो एक अच्छे निर्देशक है ही है, साथ ही साथ एक बहुत अच्छे और बहुत उम्दा कलाकार भी है। आयशा टाकिया और सलमान खान की केमिस्ट्री देखने लायक होती है, खास करके जब आयशा टाकिया सलमान खान से पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो सलमान खान की आंखों में
उस कहानी का ऐसा एक दृश्य दिखाई देता है जो शायद ही कोई लड़की देखना चाहती हो। और फिर एक दिन ऐसा घटित होता है कि ऐसा टाकिया सलमान खान को देखती है कि वो अपनी पिस्तौल से लोगों को मार रहा है। ऐसा टाकिया डर जाती है। सलमान खान यानी कि राधे भैया उसे समझाने की कोशिश करते हैं परंतु उसे समझ में नहीं आता है। लेकिन एक सीन और है जो मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खास करके वो ट्रेन वाला सीन। उसका जो एक्शन है ना लाजवाब, माइंड ब्लोइंग। और ऐसे एक्शन मैं तो कहता हूं सिर्फ हमारे भाईजान ही दे सकते हैं, हमारे टाइगर ही दे सकते हैं। और बॉलीवुड में कोई एक्टर नहीं है जो ऐसा एक्शन सीन दे सके कि एक घूस हमारे ट्रेन के बाहर आदमी गिरे। वाह कमाल का था। और सबसे बड़ी बात तो थी कि सलमान खान के संवाद, उन्होंने बोला है एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। वाह सलमान खान की फिल्मों के जो ये डायलॉग होते हैं वो वन लाइनर होते हैं और सीधा आपके दिलों में जाकर के घर बना देते हैं। सलमान खान की एक फिल्म आई थी जय हो, जिसमें एक सोशल मैसेज के ऊपर पूरी फिल्म को बनाया गया था। हां लेकिन यह भी फिल्म जो थी साउथ की रिमेक थी। उस फिल्म का एक संवाद, आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर जाग गया तो चीड़ फाड़ देगा। ऐसे संवाद अक्सर सनी देओल की फिल्मों में दिखाई देते थे। लेकिन कभी कभी हमारे सल्लू मियां भी तो जोश में आ जाते हैं तो ऐसे संवाद बोल देते हैं। इसीलिए तो उन्होंने वांटेड में कहा शराब और खून मैं अपनी मर्जी से पीता हूं। इस लाइन में एक मैसेज था, ऐसा मैसेज कि देखो जिस इंसान की महत्वाकांक्षा और जिस इंसान का मिशन पूर्ण रूप से साफ होता है वही ऐसी बातें कर सकता है, क्लियर कट बात कहते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो दबंग 2 बनने वाली है उसमें बोनी कपूर किसे लेना चाहते हैं। वैसे अगर बोनी कपूर के दिल की बात देखी जाए तो बोनी कपूर सलमान खान को ही रखना चाहते हैं। लेकिन भैया सलमान खान के घर में एक कोहराम मचा हुआ है। ये जो बोनी कपूर का लौंडा है ना आजकल का अर्जुन कपूर, उनके भाभी जी को उड़ा ले गया। अब ये कोई बात हुई, अगर आपकी किसी भाभी को कोई लेकर जाएगा तो आप बातचीत करोगे? सलमान खान मनक गए। उन्होंने सीधे बोनी कपूर से कहा देखो बोनी कपूर औकात में आओ, हमारे बहुत अच्छे संबंध है श्रीदेवी जी के साथ और मैं श्रीदेवी जी का सम्मान करता हूं, आपसे और हमारे बहुत घरेलू संबंध है, उनका रिस्पेक्ट हमेशा रहेगा। लेकिन आपका जो आजकल का लड़का है ना अर्जुन कपूर, उसकी हरकत मुझे अच्छी नहीं लगती, उसने मेरे घर में छेद किया है, मेरे परिवार को तोड़ दिया है। इस वजह से सलमान खान गुस्सा गए हैं और उन्होंने इस फिल्म को ठंडे बस्ते में रख दिया है। परंतु अर्जुन कपूर ने भी इच्छा जताई थी और अपने बाप से बोला तुम मेरे बाप हो ना, तो बोनी कपूर ने कहा हां तो मेरे लिए वांटेड 2 का बना दो। है वांटेड का सिक्वल? वो बहुत आश्चर्यचकित में आ गए, बोले बेटा खुद को आईने में देखा है, वांटेड के सिक्वल में काम करेगा? तो अर्जुन थोड़ा सा दुबक गया, नाम तो अर्जुन। फिर बोनी कपूर ने जाके बात की टाइगर श्रॉफ से। टाइगर श्रॉफ को डर लगा कि सलमान खान की फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए रोल को मैं कैसे करूंगा, सलमान खान तो मेरे लिए एक प्रकार से गुरु है। उन्होंने बोनी कपूर को कुछ नहीं कहा, सीधा उन्होंने सलमान खान को फोन किया और कहा भाईजान आपकी एक फिल्म का सिक्वल बनाया जा रहा है और मुझे ऑफर मिला हुआ है, क्या मैं इस फिल्म में काम करूं? अगर आपकी हां है
तो भी मैं इस फिल्म को साइन करूंगा। सलमान खान बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कहा देखो टाइगर, मैं आपके पिताश्री यानी कि जैकी श्रॉफ की बहुत इज्जत करता हूं, ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस फिल्म में काम करना चाहते हैं या नहीं काम करना चाहते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सलमान खान का जो जवाब है ना, यह सिखाता है कि यार काम में प्रोफेशनल होना चाहिए, काम में भाईचारा रिश्ते नाते इन सबको दूर कर देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने साफ साफ कहा देखो टाइगर श्रॉफ, आपको काम करना है तो आप काम करो। तो यह कहा जाना बहुत मुश्किल है कि अभी वांटेड टू में टाइगर श्रॉफ होंगे या फिर अर्जुन कपूर, लेकिन भैया आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि वांटेड के सीक्वल में किसे होना चाहिए, सलमान खान को या फिर टाइगर श्रॉफ को, यह तो आप लोग ही बता सकते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी बात बहुत दूर तक जाएगी। एक प्रश्न था इसमें जिसका मैंने आपको जवाब नहीं दिया कि वांटेड को कल्ट फिल्म में क्यों रखा गया है, तो इसको मैं बहुत शॉर्ट में जाने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि वांटेड वही फिल्म है जिसने सलमान खान के करियर को एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म की पटकथा, इस फिल्म का एक्शन, रोमांस, सब कुछ लाजवाब था। वांटेड 2 को 500 करोड़ी फिल्म क्यों माना जा रहा है, और वांटेड 2 का सीक्वल किस साउथ फिल्म का रिमेक हो सकता है, वांटेड 2 के लिए सलमान खान और मेकर्स के बीच क्या घमासान चल रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। प्रभु देवा डायरेक्टेड वांटेड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के साथ साथ सलमान खान के करियर को भी संवारने वाली फिल्म मानी जाती है। ये वही फिल्म थी जिससे सलमान खान दोबारा इंडस्ट्री में कमबैक करते हैं। पिछले एक साल से वांटेड 2 को लेकर आए दिनों कोई ना कोई खबर आती ही रहती है। कई बार प्रभु देवा ने वांटेड 2 के बारे में जिक्र किया था। उनका मानना है कि वांटेड का सीक्वल जरूर बनना चाहिए। जब भी उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि वांटेड 2 कब बनेगी या कब आएगी, तो उन्होंने कहा कि अभी हम वांटेड 2 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। साथ में ये भी रिवील किया था कि वांटेड 2 को लेकर मेरी और सलमान खान को लेकर एक दो बार मीटिंग भी हुई। उस मीटिंग में सलमान खान ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। अगर अभी सलमान खान को देखें तो बहुत ज्यादा अपनी फिल्मों को लेके बिजी चल रहे हैं। सलमान खान ने दबंग 3 की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से दबंग 3 की शूटिंग को रोकना पड़ा। अब सलमान खान अपने फिल्म भारत को शूट करने में लगे हैं, जिसमें उनके अपोजिट सबकी चहेती सुंदर, सुशील, कैटरीना कैफ रोमांस करती नजर आएंगी। हालांकि भारत के अलावा भी सलमान खान के पास बहुत सी फिल्में हैं, लेकिन सलमान खान ने कभी खुलकर वांटेड 2 के बारे में कोई बात नहीं की। फिर भी लोगों को लगता था कि इस फिल्म में सलमान खान काम करेंगे, लेकिन अगर आने वाले 2 सालों के शेड्यूल को देखें तो सलमान खान के पास फिल्मों का अंबार लगा हुआ है। इसलिए मेकर्स ने वांटेड 2 के लिए टाइगर श्रॉफ को अप्रोच किया। कुछ लोगों का मानना है कि सलमान खान का करियर रेस 3 के कारण हल्का डगमगा गया है, इसीलिए वांटेड 2 के मेकर्स सलमान खान से किनारा करना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही है। कुछ लोगों का कहना है कि सलमान खान की उम्र हो गई है और इसीलिए मेकर्स उनसे किनारा कर रहे हैं, या फिर उनके जीवन के कंट्रोवर्सी को ध्यान में रखकर मेकर्स सलमान खान को कास्ट नहीं करना चाहते। और इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि सलमान खान के पास आने वाले 3 सालों तक किसी फिल्म को करने के लिए समय नहीं है, और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी किसी प्रोड्यूसर या फिल्म मेकर को हर्ट नहीं करते, इसलिए सलमान खान सबके भाई जान है। लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज को देखें तो फिल्मी गलियारों में वांटेड 2 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि वांटेड 2 में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट जानवी को कास्ट किया गया है। टाइगर श्रॉफ बागी 2 के सफलता के बाद उनका करियर उफान पर है। जब देखो टाइगर श्रॉफ कभी अपने लुक्स को लेकर, अपने बॉडी को लेकर, अपने मार्शल आर्ट को लेकर या फिर अपने डांस की वजह से युवाओं में चर्चा का विषय बने रहते हैं,
और ये हो भी क्यों ना, जब से टाइगर की बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है उसके बाद से फिल्म के प्रोड्यूसर्स की टाइगर को साइन करने की लाइन लगी हुई है। आजकल टाइगर करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में बिजी हैं। वहीं इसके साथ रैम्बो के रिमेक में भी ऋतिक रोशन के साथ नजर आएंगे। यदि वांटेड 2 में टाइगर होते हैं तो फिल्म की स्टोरी का फ्लेवर को बदलना पड़ सकता है, क्योंकि सलमान खान का अपना अलग स्टाइल है लेकिन टाइगर श्रॉफ का एक अपना अलग अंदाज है। और वहीं दूसरी ओर जानवी की फिल्म धड़क जब से रिलीज हुई है जानवी कपूर की तारीफें हो रही हैं, मगर देखा जाए तो इसके पीछे का सच कुछ और है। अगर जानवी श्रीदेवी की बेटी ना होती तो शायद ही कोई उन पर ध्यान देता या उनके ऊपर कोई बात करता, लेकिन अब वांटेड 2 के लिए जानवी की बात आ गई है तो आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है कि जानवी कपूर टाइगर श्रॉफ के साथ रोमांस करती नजर आ सकती हैं। अगर हम टाइगर श्रॉफ की फिल्मों को देखें तो उनकी फिल्मों में सेंट्रल पॉइंट कोई हीरोइन नहीं बल्कि खुद टाइगर श्रॉफ होते हैं, क्योंकि टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड इंडस्ट्री में दो सुपरस्टार के नक्श कदम पे चलते हैं। पहला, जहां वो सलमान खान की तरह वन लाइनर डायलॉग को अपनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतिक रोशन की इमेज को ढालने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि वो बहुत अच्छे डांसर भी हैं, लेकिन वांटेड 2 में टाइगर के आने से वांटेड 2 को 500 करोड़ फिल्म क्यों कहा जाने लगा। सूत्रों की माने तो सलमान खान को वांटेड 2 से निकाला नहीं गया बल्कि कहा जा रहा है कि उस फिल्म में उनका एक छोटा सा रोल हो सकता है, या यूं कहें कि सलमान खान का कैमियो हो सकता है, वो इस फिल्म में कैमियो करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु देवा और सलमान खान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। यदि किसी फिल्म में सलमान खान और टाइगर श्रॉफ हो तो वो फिल्म 500 करोड़ क्या, मुझे लगता है कि वो फिल्म आराम से 1000 करोड़ फिल्म बन सकती है, क्योंकि देखा जाए तो सलमान खान की फ्लॉप फिल्में भी 300 करोड़ तक का कलेक्शन कर जाती हैं। अब बात आती है वांटेड 2 की कहानी की, तो सूत्रों की माने तो वांटेड 2 की कहानी किसी साउथ फिल्म की कहानी पर बेस्ड हो सकती है। वैसे देखा जाए तो वांटेड भी साउथ फिल्म की रिमेक थी। 1, 2, 3 सिनेमा घरों में अंधेरा होते ही सलमान खान का शो शुरू होता है। सलमान खान की एंट्री होती है एक्शन सीन से एकदम दीवार के अमिताभ बच्चन की स्टाइल में। सलमान शटर गिराते हैं और उस पर गुंडे ताला लगा देते हैं। इसके बाद उन 20-25 आदमियों की सल्लू जोरदार तरीके से धुलाई करते हैं। धांसू एक्शन सीन के तुरंत बाद एक धांसू सा गाना आता है। गणेश जी की मूर्ति के सामने सलमान जलवा गाने पे ठुमके लगाते हैं। एक्शन और गाने से निर्देशक ने दिखा दिया कि राधे किस तरह का आदमी है। वो लोगों को गाजर मूली की तरह काटता है और भगवान के आगे सिर झुकाता है। राधे यानी कि सलमान खान एक शूटर है। उसके चमचे उसे ब्रूसली का नाना और रैम्बो का चाचा कहते हैं। एक डायलॉग भी है उस फिल्म में कि तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उसका हेडमास्टर मेरे से ट्यूशन लेता है। ऐसे घिसे पीटे डायलॉग वो बोलते हैं, पर जिस अंदाज में बोलते हैं दिल को छू जाता है। फिल्म में दिखाया गया कि पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ठहरिए जनाब, उसके भी कुछ उसूल थे। औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, जो काम पसंद आता है वही करता है। शराब और खून जब इच्छा हो तब पीता है, और वो भी दबा के। गुटके को वो मौत का सामान मानता है, और एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो फिर अपना भी नहीं सुनता। अधिकतर फिल्मों में हमने देखा है कि एक्शन के बीच रोमांस भी जरूरी है। इस गुंडे नाम शख्स के स्टाइल पर लड़कियां मरती हैं, क्योंकि हथियार से वो बहुत अच्छी तरह खेलता है। और डायलॉग भी है, तुम गुंडे हो लेकिन दिल के अच्छे हो। ये कहकर इस हत्यारे पर जानवी यानी कि आयशा टाकिया फिदा हो जाती है, लेकिन राधे के क्रूर रूप को देखकर वो भी सिहर उठती है। मोटी ताजी जानवी पर दो लोग और फिदा है, अधेड़ उम्र का मकान मालिक मनोज पांडवा जो बीच बीच में दर्शकों को हंसाता है, और दूसरा इंस्पेक्टर तलपड़े यानी कि महेश मांजेरकर जिसकी हरकतों पर दर्शकों को गुस्सा आता है। गने भाई यानी कि प्रकाश राज के लिए राधे काम करता है और उनके दुश्मन को ठिकाने लगाता है। गनी भाई के खास आदमी का मर्डर हो जाता है और लड़कियों की कुश्ती देखने के लिए शौकीन गनी भाई फॉरेन कंट्री से इंडिया चले आते हैं। यहाँ आकर उन्हें एक खास राज मालूम पड़ता है जिससे उनकी और राधे की दुश्मनी हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट आता है और खून खराबे के पीछे राधे का मकसद क्या है ये सभी को पता चल जाता है। तमिल फिल्म पोगरी पर आधारित वांटेड की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कह सकते हैं कि एक नए पौधे की तरह पनपती है। उसमें नयापन था और सभी सस्पेंस में थे कि आगे क्या होने वाला है, ये बात किसी को नहीं पता होती थी। क्लाइमेक्स तक सभी सस्पेंस में होते थे कि आगे क्या होने वाला है। फिल्म अपनी रुचि बनाए रखती थी
क्योंकि निर्देशक प्रभु देवा ने सीन्स की बैलेंसिंग काफी उम्दा तरीके से की। फिल्म में एक्शन, कॉमेडी और रोमांस का तड़का बिल्कुल इक्वल था। साथ ही उन्होंने सलमान खान को एक बेहतरीन तरीके से पेश किया। सलमान के ढेर सारे प्रशंसक उन्हें इसी रूप में देखना पसंद करते हैं। सलमान की जो इमेज वो राधे किरदार में बिल्कुल मेल खाती है। अखड़ थोड़ा बिगड़ा लेकिन दिल का हीरा, बेखौफ और लार्जर देन लाइफ सी शख्सियत, अपनी मर्जी से जीने वाला, स्टाइलिश, औरतों की इज्जत करने वाला। लगता ही नहीं कि सलमान एक्टिंग कर रहे हैं, पूरी फिल्म में सलमान की प्रभुत्व है। सल्लू की हीरोगिरी दिखाने के लिए स्क्रिप्ट की खामियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। सलमान के कारण दर्शक उन गलतियों को बचा लेते हैं। वॉन्टेड देखते समय दर्शक इन बातों की परवाह नहीं करते कि उनके हीरो को गोली छू नहीं सकती। इस फिल्म का एक्शन प्लस पॉइंट था, जैसे कि सलमान खान की एंट्री, आशा टाकिया को ट्रेन में छेड़ने वाले गुंडों की पिटाई वाले सीन, ये सभी सीन माइंड ब्लोइंग सीन थे। वहीं बात करें फिल्म के सॉन्ग की तो जलवा और लव मी बहुत खास है। हर गाने का फिल्मांकन खूबसूरत लोकेशन पर भव्य तरीके से किया गया है। तकनीकी रूप से फिल्म सशक्त है। हम कह सकते हैं कि आशा टाकिया ने सलमान का साथ उम्दा तरीके से निभाया। गनी भाई के रूप में प्रकाश राज ने अपनी छाप छोड़ी है। वहीं पुलिस की गिरफ्त रहकर उन्होंने खूब हंसाया है। महेश मांजरकर को देखकर नफरत पैदा होती है और यही उनकी कामयाबी है। विनोद खन्ना प्रभाव नहीं छोड़ पाते। अगर आप एक्शन फिल्म पसंद करते हैं या ना भी पसंद करते हो तो भी सलमान खान की इस फिल्म को आप जरूर पसंद करेंगे। और यही सलमान खान की खासियत है कि वो जिस फिल्म से जुड़ जाते हैं वो फिल्म लोगों को अपने आप पसंद आने लगती है, चाहे फिल्म की स्टोरी कैसी भी हो। वो सबके सलमान खान हैं और हमेशा रहेंगे। बात करते हैं वॉन्टेड 2 की इस फिल्म का बजट कितना हो सकता है। तो अगर इस फिल्म से सलमान खान जुड़े रहे तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 250 से 300 करोड़ का हो सकता है, क्योंकि आखिरकार ये फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है। बात करें फिल्म की कास्टिंग की तो अभी जानवी कपूर और टाइगर श्रॉफ के अलावा अभी किसी की भी फाइनल कास्टिंग नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि फाइनल अनाउंसमेंट कब होती है इस फिल्म की और रिलीज डेट क्या रखी जाएगी। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या टाइगर श्रॉफ और जानवी कपूर की जोड़ी अच्छी लगेगी या नहीं, और क्या सिर्फ इस फिल्म में सलमान खान का कैमियो होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताएं। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर। सलमान खान का फिल्मी सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उनके करियर में कई बार ऐसा समय आया जब लगा कि करियर खत्म होने के कगार पर है। ये बात 2007 की, जब उनके फिल्म पार्टनर सुपरहिट रही, वे छा गए थे। लेकिन उसके बाद उनकी फिल्मों को लेकर खराब चॉइस की वजह से उनके स्टारडम को खतरा पैदा हो गया। उनकी युवराज भी फ्लॉप हो गई। सलमान खान एक्टर क्यों नहीं बनना चाहते थे? सलमान खान की वांटेड 2 कब शुरू होने वाली? सलमान खान ने जब फिल्मी करियर की शुरुआत की थी तो कितने किलोग्राम के थे? उन्होंने किस फिल्म के लिए दुआ मांगी कि दर्शक उनकी ये फिल्म ना देखे? उनसे किसने कहा कि तुम्हारे साथ जो हमेशा खड़ा रहेगा वो तुम ही हो? वांटेड फिल्म की कहानी क्या है और वांटेड 2 फिल्म की कहानी क्या होगी? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। सलमान खान का नाम आज बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में शामिल है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियां सलमान खान के साथ काम करना चाहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान का सपना एक्टर बनने का नहीं था? अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले सलमान खान पहले निर्देशक बनना चाहते, लेकिन परिस्थितियों की वजह से उन्हें एक्टर बनना पड़ा। क्या आप जानते हैं वो कैसे फिल्म जगत से जुड़ गए? इस सवाल का जवाब देते हुए सलमान खान कहते हैं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता था। पहले मैं असिस्टेंट था, उसके पहले मैं मॉडलिंग किया करता था। उस वक्त जो फिल्में बनती थी वो मोहल्ले का दादा, पुलिस इंस्पेक्टर, लॉयर, इस तरह के जॉनर की बनती थी। मैं इन फिल्मों में हीरो के लिए फिट ही नहीं था। पहले मैं 48 किलो का हुआ करता था। मैं लोगों के पास अपनी स्क्रिप्ट लेकर जाता था तो लोग बोलते थे, नहीं अभी बहुत यंग हो। सलमान बताते हैं, उसी समय फिल्म बीबी हो तो ऐसी ऑफर हुई। मैंने स्क्रिप्ट को सुनकर मैंने फिल्म साइन कर ली, लेकिन फिल्म में अपना काम देखा तो मैंने दुआएं मांगी कि कोई फिल्म ना देखे। पहली बार कोई ऐसा एक्टर होगा जिसने पहली फिल्म के लिए दुआएं मांगी होगी कि कोई फिल्म ना देखे। इसके बाद फिल्म आई मैंने प्यार किया और इसके बाद मैंने वापस
मुड़कर नहीं देखा। सलमान खान कहते हैं, एक समय ऐसा आया कि मैंने काम छोड़ दिया और पार्टी में बिजी हो गया। एक दिन पापा ने मैंने प्यार किया को देखने के लिए लगी सिनेमाघरों की भीड़ को देखकर फोन किया। मैं उनके रिएक्शन को देखने के लिए उत्साहित। करीब रात के 2:30 बज रहे तभी मेरी माँ कमरे में आई और कहा, तुझे क्या लगता है कि तू स्टार बनेगा? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, आप बताओ। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ लगाया और कहा, तुम्हारे साथ जो हमेशा खड़ा रहेगा वो तुम ही हो और कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये बात 2009 की। सलमान खान बुरे दौर से गुजर रहे, फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। सलमान खान को खत्म मान लिया गया था। इसी बीच एक फिल्म दबे पांव रिलीज हुई, नाम था वांटेड। सोचा भी नहीं था कि किसी ने, और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। बस तब से सलमान खान ने पीछे पलटकर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सुल्तान तक जा पहुंचे। सुल्तान बनने के बाद तो टाइगर का रूप ले लिया। अब पुनर्जन्म होगा सिकंदर का रेस 3 में। वांटेड बनाई थी प्रभु देवा ने। मसाला फिल्म बनाने में वे माहिर हैं। लगा कि जल्द ही सलमान खान के साथ दूसरी फिल्म बनाएंगे, लेकिन कई वर्ष गुजर गए और दोनों ने साथ काम नहीं किया। प्रभु देवा ने कई बार इच्छा जताई कि वे सलमान खान को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर सलमान खान दूसरे प्रोजेक्ट में इतने व्यस्त हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी ही नहीं कर पाए। अब जाकर दोनों साथ काम करने जा रहे हैं। प्रभु देवा और सलमान खान की फिल्म की योजना बन चुकी है, डेट तय होते ही काम शुरू होगा, हालांकि इसमें समय लगेगा। प्रभु देवा ने ये नहीं बताया कि किस तरह की फिल्म होगी, लेकिन अगर मीडिया खबरों की बात माने तो वांटेड 2 हो सकती। एक नई कहानी के साथ इसे पेश किया जा सकता है। वांटेड के निर्माता बोनी कपूर थे और वो भी सलमान खान के साथ लंबे समय से फिल्म बनाना चाह रहे। बोनी को निर्माता बनाकर ये प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। वांटेड तेलुगु फिल्म पोकरी की रिमेक थी। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि वांटेड सलमान के करियर की कमबैक फिल्म थी। उस दौरान सलमान खान की कई फिल्में फ्लॉप हो रही और उनका करियर खत्म माना जा रहा। उसके बाद ही सलमान खान ने प्रभु देवा के साथ इस फिल्म में काम किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और सलमान खान के करियर ने फिर से उड़ान भरी। सलमान खान को लेकर दबंग और दबंग 2 जैसी फिल्म के बाद अब इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म बनाने की चर्चा है। प्रभु देवा ने डेक्कन क्रॉनिकल को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा है, वो फिल्म की डिटेल्स को लेकर फाइनल करने के लिए मुंबई गए थे। अब वो ये कह सकते हैं कि सलमान खान और अरबाज खान के साथ फिल्म दबंग 3 बनाएंगे। उन्होंने कहा, वो दोनों के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उन्हें ना कहने का सवाल ही नहीं उठता। प्रभु देवा ने फिल्म की डिटेल्स को लेकर भी खुलासा किया। उन्होंने कहा, फिल्म में किसी भी चीज को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा, फिल्म की कास्टिंग वही रहेगी। इसके अलावा फिल्म के म्यूजिक के लिए भी साजिद वाजिद की जोड़ी को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा, फिल्म में वही बस नया चेहरा है, उनके अलावा सब कुछ वैसे का वैसा ही है। दबंग 3 के बाद वांटेड 2 पर काम शुरू होगा, जिसमें राधे के नए अवतार को आज के परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाएगा, क्योंकि समाज को राधे जैसे इंसान की जरूरत है जो बुराई को समाप्त कर सके। आज चारों ओर रेप जैसी घटना आम हो गई। अब बात करते हैं वांटेड फिल्म कैसी, जिसने सलमान खान को फिर से सुपरस्टार बना दिया। सिनेमा घर में अंधेरा होते ही सलमान खान का शो शुरू हो जाता है। सलमान खान की एंट्री होती है एक्शन सीन से। एकदम दीवार के अमिताभ के स्टाइल में सलमान शटर गिराते हैं और उस पर ताला गुंडे लगाते हैं। उसके बाद उन 20-25 आदमियों की सल्लू जोरदार तरीके से धुलाई करते हैं। धांसू एक्शन सीन के तुरंत बाद धांसू गाना। गणेश जी की मूर्ति के सामने सलमान जलवा गाने पर ठुमके लगाते हैं। एक्शन और गाने से निर्देशक ने दिखा दिया कि राधे किस तरह का आदमी है। वो लोगों को गाजर मूली की तरह काटता है और भगवान के आगे सिर झुकाता है। राधे यानी सलमान खान एक शूटर, उसके चमचे उसे ब्रूसली का नाना और रैम्बो का चाचा कहते हैं। तुम जिस स्कूल में पढ़े हो उसका हेडमास्टर मेरे से ट्यूशन लेता है, जैसे घिसे पीटे डायलॉग भी वो बोलता है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन टैरिये उसके भी कुछ उसूल है। और तो और बच्चों पर वो हाथ नहीं उठाता, जो काम पसंद आता है वही करता है। शराब और खून जब इच्छा हो तब पीता है, और वो भी दबा के। गुटके को मौत का सामान मानता है, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर वो अपने भी नहीं सुनता। एक्शन के बीच रोमांस भी जरूरी है। इस गुंडे नुमा शख्स के स्टाइल पर लड़कियां मरती हैं, क्योंकि हथियार से वो बहुत अच्छी तरह खेलता है। तुम गुंडे हो लेकिन दिल के अच्छे हो, कहकर इस हत्यारे पर जानवी यानी कि आयशा टकिया फिदा हो जाती है। लेकिन राधे के क्रूर रूप को देख कर वो सिहर उठती। मोटी ताजी जानवी पर दो लोग और फिदा है, अधेड़ उम्र का मकान मालिक यानी मनोज पावा, जो बीच बीच में दर्शकों को हंसाता है, और इंस्पेक्टर तलपदे यानी कि महेश मांजेकर, जिसकी हरकतों पर दर्शकों को गुस्सा आता है। गानी भाई यानी कि प्रकाश राज के लिए राधे काम करता है और उनके दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। गानी भाई के खास आदमी का मर्डर हो जाता है और लड़कियों की कुश्ती देखने के शौकीन गानी भाई
विदेश से भारत चले आते हैं। यहाँ आकर उन्हें खास राज मालूम पड़ता है, जिससे उनकी और राधे की दुश्मनी हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट आता है और खून खराबे के पीछे राधे का मकसद क्या है, ये सभी को पता चलता है। तमिल फिल्म पोगरी पर आधारित वांटेड की कहानी धागे जैसी पतली है, उसमें नयापन भी नहीं है। आगे क्या होने वाला है ये सभी को पता रहता है। क्लाइमेक्स के थोड़ा पहले तक कहानी आगे खिसकती भी नहीं है, फिर भी फिल्म में रुचि बनी रहती है, क्योंकि निर्देशक प्रभु देवा ने दृश्यों को असेंबलिंग बहुत ही उम्दा तरीके से किया है। दर्शाया है एक्शन, हास और रोमांस का मिश्रण बिल्कुल बराबर मात्रा में किया गया है। साथ ही उन्होंने सलमान खान को बेहतरीन तरीके से पेश किया है। सलमान के ढेर सारे प्रशंसक उन्हें इसी रूप में देखना पसंद करते। सलमान की जो इमेज है वो राधे के किरदार से बिल्कुल मेल खाती है। अखंड, थोड़ा बिगड़े लेकिन दिल का हीरा, बेखौफ, लार्जर देन लाइफ सी शख्सियत, अपनी मर्जी से जीने वाला, स्टाइलिश, औरतों की इज्जत करने वाला, लगता ही नहीं कि सलमान खान एक्टिंग कर रहे हैं। पूरी फिल्म में सलमान का प्रभुत्व। सल्लू की हीरोगिरी दिखाने के लिए स्क्रिप्ट की खामियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। सलमान खान के कारण दर्शक उन गलतियों को पचा लेते। सलमान पर सैकड़ों गोलियां चलती हैं और उन्हें खरोंच तक नहीं आती। वांटेड देखते समय दर्शक इन बातों की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनके हीरो को गोली छू भी नहीं सकती। एक्शन इस फिल्म का प्रमुख आकर्षण। कई एक्शन स्टंट बेहतरीन बन पड़े हैं, जिनमें सलमान की एंट्री वाला सीन, आयशा को ट्रेन में छेड़ने वाले गुंडों की पिटाई वाले सीन और फिल्म का क्लाइमेक्स उल्लेखनीय है। संगीत की बात की जाए तो जलवा और लव में उम्दा है। हर गाने का फिल्मांकन खूबसूरत लोकेशंस पर भव्य तरीके से पेश किया गया है। तकनीकी रूप से फिल्म सशक्त। आयशा टाकिया ने सलमान का साथ उम्दा तरीके से निभाया है। गनी भाई के रूप में प्रकाश राज ने अपनी छाप छोड़ी। पुलिस की गिरफ्त में रहकर उन्होंने खूब हंसाया। महेश मांजरेकर को देख नफरत पैदा होती और यही उनकी कामयाबी है। विनोद खन्ना ने भी अपना प्रभाव छोड़ा है। यदि आप एक्शन फिल्म पसंद करते हैं और सलमान खान के प्रशंसक हैं, तो वांटेड आपके लिए तीखे मसालों के साथ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वांटेड तीखे मसालों की तरह है तो वांटेड 2 आज के दौर की सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम की तरह होगी। तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताइए कि वांटेड 2 का कितना इंतजार है आपको। सलमान खान अपने पसंदीदा डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म कर सकते हैं। आने वाली फिल्मों पर बात करते हुए सलमान खान ने कहा, मैं दबंग 3 किक 2, भारत और रेमो की डांस फिल्म कर रहा हूं और संजय लीला भंसाली आकर मुझे स्क्रिप्ट सुनाए तो शायद वो फिल्म। हालांकि सलमान ने ये बात मजाक में कही है, लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो फैंस को जबरदस्त सरप्राइज मिल सकता है। सलमान खान संजय लीला भंसाली की जोड़ी ने खामोशी और हम दिल दे चुके शर्म जैसी सुपरहिट फिल्में दी है। फिल्म देवदास में जब संजय लीला भंसाली ने शाहरुख को साइन किया था तो सलमान काफी नाराज हुए थे। फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ सलमान रहना चाहते थे, लेकिन भंसाली ने ऐसा होने नहीं दिया। तभी से सलमान भंसाली से नाराज है। सलमान को भंसाली से इस कदर गुस्सा था कि गुजारिश के दौरान उन्होंने कह दिया था, उस फिल्म को तो कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। अब तक दोनों में कुछ खास दोस्ती तो नहीं हुई है, लेकिन अब दुश्मनी भी खत्म हो चुकी है। उम्मीद है जल्द भंसाली सलमान के साथ अगली फिल्म बनाएंगे। वहीं 200 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बन रही है अली अब्बास जफर की फिल्म भारत। भारत में सलमान खान के अपोजिट प्रियंका चोपड़ा और दिशा पटानी फाइनल हो चुकी। शेर खान सलमान खान की ये फिल्म काफी पहले चर्चा में आई थी। फिल्म में सलमान खान के भाई सुहेल खान बनाने वाले हैं। बीच में फिल्म के डिब्बा बंद होने की ना बनती तो सलमान खान क्या नहीं बन पाते सुपरस्टार? सलमान से पहले ये फिल्म किसे ऑफर की गई थी? सलमान के एक्ट्रेस और इस फिल्म की हीरोइन आयशा टाकिया को क्या फिल्मों के सेट पर परेशान किया जाता था? वांटेड 2 कब तक रिलीज हो सकती है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जियाल। वांटेड से जुड़े दिलचस्प किस्सों की बात करेंगे और साथ ही वांटेड 2 कब तक आएगी इस बारे में भी बात करेंगे। वांटेड से शुरू करते हैं दोस्तों। साल 2009 में रिलीज हुई थी। पूरी जगन्नाथ और प्रभु देवा ने इसे डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था बोनी कपूर ने और इस फिल्म के गाने उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। फिल्म भी पॉपुलर हुई। मेरा ही जलवा, लम्मी लम्मी, मोस्ट वांटेड टीवी और एफएम पर इतना बजाया जाता था कि टॉप 10 में ये गाने शुमार हो गए। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूँ तो 52 करोड़ के बजट में बनाया गया था। 60 करोड़ इसने इंडिया में कमाए और 93 करोड़ की कमाई की थी वर्ल्ड वाइड, यानी कि हिट फिल्म साबित हुई थी। 1400 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई थी और उस वक्त बॉक्स ऑफिस की रेस पर चौथे नंबर पर थी। उस वक्त पहले नंबर पर थी थ्री इडियट्स, दूसरे
दूसरे पर थी लव आजकल, तीसरे पर अजब प्रेम की गजब कहानी, चौथे पर वांटेड, पांचवे पर थी दे दनादन और वांटेड को 6.6 की आईएमडीबी रेटिंग भी मिली थी। दोस्तों ये एक साउथ इंडियन फिल्म पोकरी का हिंदी रीमेक थी जो कि साल 2006 में साउथ में रिलीज हुई थी। उसमें महेश बाबू नजर आए थे और फिर प्रभुदेवा ने इसका हिंदी रीमेक बनाया और प्रभुदेवा की ये पहली डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी। और साथ ही इस फिल्म में सलमान को पहले अप्रोच नहीं किया गया था, शाहरुख को अप्रोच किया गया था और इसके तेलुगु वर्जन को शाहरुख को दिखाया गया था। स्पेशली स्टोरी और आइडिया एसआरके को बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन उन्होंने फिल्म करने से इसीलिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि महेश बाबू ही इस फिल्म में बहुत सटीक बैठते हैं और साथ ही वो महेश बाबू की एक्शन को कॉपी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए फिल्म को मना कर दिया। इसके बाद सल्लू के पास ये ऑफर गया और सलमान की किस्मत ही बदल गई इस फिल्म से और इस फिल्म के एक्शन सीन्स उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और जब सलमान को ये फिल्म दिखाई गई तो पूरी फिल्म उन्होंने आँख बंद कर देखी थी ताकि वो महेश बाबू का जो एक्शन है वो कॉपी ना कर पाएँ और सिर्फ वो उस टाइम इस फिल्म को इसीलिए सुन रहे थे ताकि कि वो जान सके क्या फिल्म की स्टोरी है और जब ये फिल्म वो बनाएंगे तो कैसे उनकी डायलॉग डिलीवरी होगी। तो इसके बाद उन्होंने हाँ कर दी फिल्म को और बस इसी फिल्म के बाद उनकी किस्मत चमक उठी। इसके पहले उनकी किसी भी सोलो फिल्म को इतनी तवज्जो नहीं दी आती थी। तेरे नाम के बाद तो बहुत ज़्यादा फिल्में उनकी नहीं आई और जो सोलो आई वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। तो इसीलिए इस फिल्म को उनका मील का पत्थर भी कहा जाता है क्योंकि इसी फिल्म ने उन्हें खास इंपॉर्टेंस दी थी बॉलीवुड में और एक्शन सीन्स उनके बहुत ज़्यादा पसंद आए और तभी से वो हार्डकोर एक्शन हीरो के तौर पर देखे जाने लगे। और शायद लोगों को एक्शन ही इतना ज़्यादा पसंद आता है, एक्टिंग में ध्यान नहीं देते, इसीलिए एक्शन के बलबूते पर ही सलमान खान ने सबका दिल जीत लिया। उसके बाद आप जानते ही हैं दबंग आई, रेडी आई, बॉडीगार्ड आई, ये सब फिल्में आई और उसके बाद सलमान खान बन गए सुपरस्टार। दोस्तों फिल्म की हीरोइन की बात करें तो पहले आसिम को ही अप्रोच किया गया था लेकिन डेट्स ना मिलने की वजह से इसके बाद इलियाना डिक्रूज को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया लेकिन उनके भी कॉलेज एग्जाम्स थे। उसके बाद आयशा टाकिया को फिल्म के लिए फाइनल किया गया। आयशा ने जैसे ही फिल्म के बारे में सुना उन्हें पसंद आई और उन्होंने हामी भर दी। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग में बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, पूरे 1.5 साल का अंतर पड़ गया था क्योंकि इस फिल्म की बहुत सारी कास्ट साउथ से थी और इसी वजह से टाइम क्लैश हो रहा था तो फिल्म की शूटिंग में भी लेट हो गई। और ये फिल्म को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि सलमान खान की हेयर स्टाइल हर सीन हर मोमेंट पर चेंज होती रहती है, बहुत सारी जगह आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे किसी सीन में उनके छोटे बाल होते हैं काफ़ी, फिर बड़े होते हैं, फिर लंबे होते हैं। और जो ये लंबे बाल थे उन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों के लिए किया था जैसे कि मिस्टर और मिसेस खन्ना के लिए और उसके बाद उनकी वीर आई जिसमें उनके लंबे बाल देखे गए थे और लंदन ड्रीम्स, इसीलिए उनके लंबे बाल उन्होंने किए हुए थे। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दूँ इस फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी, और ये एक मुंबई बेस्ड गैंगस्टर फिल्म थी इसीलिए मुंबई के ही ज़्यादातर सीन्स थे, साथ ही हैदराबाद, बैंकॉक, ग्रीस, थाईलैंड, यहाँ फिल्म के गानों की शूटिंग की गई थी। और एक किले का सीन आपने देखा होगा जो कि काफ़ी पॉपुलर है, वो शूट किया गया था गोलकोंडा फोर्ट में जो कि हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही आयशा टाकिया ने शादी कर ली थी और फरहान आजमी से उन्होंने शादी कर ली थी और लगभग उनका करियर यहीं से ख़त्म हो गया, उन्होंने संन्यास ले लिया। इसके बाद सिर्फ उन्होंने दो फिल्मों की आधी अधूरी जो शूटिंग छोड़ी थी वो पूरी की, पाठशाला में उन्होंने काम किया इसके बाद जो शाहिद कपूर की फिल्म थी और मोड़ में, उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई और मुंबई के उनके हस्बैंड हैं और मुंबई में उनके होटल्स भी हैं और काफ़ी सुकून की ज़िंदगी अब वो जी रही हैं। और हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि वर्क प्लेस में और फिल्मों के सेट पर उन्हें बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था और उन्होंने क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इस वक्त हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड की, इसी के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मुझे भी इसी तरह परेशान किया जाता था और छोटा महसूस किया जाता था। उन्होंने कहा कि कभी ऐसा ना करिए, उन सबको जवाब दीजिए अपने काम से और अपने को खुद को कमज़ोर और नहीं समझना चाहिए। ये मैसेज आयशा टाकिया ने दिया था लेकिन उनका इस हिसाब से देखा जाए तो बॉलीवुड छोड़ने का जो डिसीजन था बहुत सही था, अगर उन्हें इतना परेशान टॉर्चर किया जाता था और अब वो सुकून की ज़िंदगी जी रही हैं वो, जो कि बहुत अच्छी बात है।
चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई थी। सलमान खान ने CID उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, पायरेसी से बचाने के लिए पूरे एक जो एपिसोड है उसमें पूरा का पूरा सलमान खान ने शूट किया था। इसके अलावा DID आता था और मिथुन और सलमान खान की दोस्ती बहुत अच्छी थी, तो DID में मिथुन ने ऐलान किया था कि जो भी DID का विनर होगा उसे वांटेड में काम करने का मौका मिलेगा। तो सलमान यूसुफ उस वक्त विनर थे और उन्हें मोस्ट वांटेड गाने में काम करने का मौका भी मिला। दोस्तों ये सलमान की पहली फिल्म थी जो ईद पर रिलीज़ हुई थी और तभी से क्रेज़ हो गया कि ईद पर तो सलमान खान रिलीज़ करेंगे ही करेंगे, और हर ईद पर ईदी देने आते हैं सलमान खान के फैंस, बोलते हैं कि सल्लू की फिल्म नहीं आई है, हमें ईद पर ईदी देने आए हैं, तो सलमान खान की फिल्म हमेशा ये देखी जाती है। और उस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईद के मौके पर पहली बार कोई फिल्म रिलीज़ हो रही थी सलमान खान की, तो लंबे समय तक हाउसफुल भी रहा था। दोस्तों इस फिल्म में विनोद खन्ना सलमान खान के पिता के रोल में दिखे थे और इससे पहले निश्चय में वो भाई के रोल में दिख चुके थे। इंद्र कुमार भी इस फिल्म में नज़र आए थे और प्रकाश राज ने इस फिल्म में विनोद खन्ना और इंद्र कुमार को मार दिया था। और कोइंसिडेंट ये रहा कि इन दोनों की मौत एक ही साल में हुई, 2017 अप्रैल में विनोद खन्ना हमें छोड़कर गए, उसके बाद जुलाई के महीने में इंद्र कुमार भी दुनिया छोड़कर चले गए, तो इसे कोइंसिडेंट ही माना जाएगा। दोस्तों एक और चीज़ है मेरा ही जलवा, उसमें अनिल कपूर ने गेस्ट अपीयरेंस किया था जो वांटेड में था, और उसके अलावा सलमान खान ने भी अनिल कपूर की दीवाना मस्ताना में गेस्ट अपीयरेंस किया था। तो ये थी सलमान खान की वांटेड से जुड़े तमाम किस्से। और अब वांटेड 2 की बात बताएं तो वांटेड 2 पर भी काम किया जा रहा है, सलमान खान खुद इसे प्रोड्यूस करने वाले हैं, बोनी कपूर को इसके प्रोडक्शन से हटा दिया गया है कुछ कारणों की वजह से, और जल्द ही ये फिल्म रिलीज़ होगी। फिलहाल कभी ईद कभी दिवाली की पहले शूटिंग होगी, उसके बाद किक 2 और वांटेड यानी कि अगले साल ये फिल्में रिलीज़ हो सकती हैं। तो दोस्तों वांटेड 2 का आपको कितना इंतज़ार है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे। सलमान खान का फिल्मी सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उनके करियर में कई बार ऐसा समय आया जब लगा कि करियर खत्म होने के कगार पर है। ये बात 2007 की जब उनकी फिल्म पार्टनर सुपरहिट रही, वे छा गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी फिल्मों को लेकर खराब चॉइस की वजह से उनके स्टारडम को खतरा पैदा हो गया, उनकी युवराज भी फ्लॉप हो गई। सलमान खान एक्टर क्यों नहीं बनना चाहते थे? सलमान खान की वांटेड 2 कब शुरू होने वाली? सलमान खान ने जब फिल्मी करियर की शुरुआत की थी तो कितने किलोग्राम के थे? उन्होंने किस फिल्म के लिए दुआ मांगी कि दर्शक उनकी ये फिल्म ना देखे? उनसे किसने कहा कि तुम्हारे साथ जो हमेशा खड़ा रहेगा वो तुम ही हो? वांटेड फिल्म की कहानी क्या है और वांटेड 2 फिल्म की कहानी क्या होगी? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। सलमान खान का नाम आज बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में शामिल है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियां सलमान खान के साथ काम करना चाहती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान का सपना एक्टर बनने का नहीं था। अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले सलमान खान पहले निर्देशक बनना चाहते, लेकिन परिस्थितियों की वजह से उन्हें एक्टर बनना पड़ा। क्या आप जानते हैं वो कैसे फिल्म जगत से जुड़ गए? इस सवाल का जवाब देते हुए सलमान खान कहते हैं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता, पहले मैं असिस्टेंट था, उसके पहले मैं मॉडलिंग किया करता था। उस वक्त जो फिल्में बनती थी वो मोहल्ले का दादा, पुलिस इंस्पेक्टर, लॉयर, इस तरह के जॉनर की बनती थी। मैं इन फिल्मों में हीरो के लिए फिट ही नहीं था। पहले मैं 48 किलो का हुआ करता था। मैं लोगों के पास अपनी स्क्रिप्ट लेकर जाता था तो लोग बोलते थे, नहीं अभी बहुत यंग हो। सलमान बताते हैं, उसी समय फिल्म बीवी हो तो ऐसी ऑफर हुई, मैंने स्क्रिप्ट को सुनकर मैंने फिल्म साइन कर ली, लेकिन फिल्म में अपना काम देखा तो मैंने दुआएं मांगी कि कोई फिल्म ना देखे। पहली बार कोई ऐसा एक्टर होगा जिसने पहली फिल्म के लिए दुआएं मांगी होगी कि कोई फिल्म ना देखे। इसके बाद फिल्म आई मैंने प्यार किया और इसके बाद मैंने वापस कर नहीं देखा। सलमान खान कहते हैं, एक समय ऐसा आया कि मैंने काम छोड़ दिया और पार्टी में बिजी हो गया। एक दिन पापा ने मैंने प्यार किया को देखने के लिए लगी सिनेमा घरों की भीड़ को देखकर फोन किया। मैं उनके रिएक्शन को देखने के लिए उत्साहित, करीब रात के 2:30 बज रहे तभी मेरी माँ कमरे में आई और कहा, तुझे क्या लगता है कि तू स्टार बनेगा? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, आप बताओ। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ लगाया और कहा, तुम्हारे साथ जो हमेशा खड़ा रहेगा वो तुम ही हो और कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये बात
2009 की। सलमान खान बुरे दौर से गुजर रहे, फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, सलमान खान को खत्म मान लिया गया था। इसी बीच एक फिल्म दबे पांव रिलीज हुई, नाम था वांटेड। सोचा भी नहीं था कि किसी ने, और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। बस तब से सलमान खान ने पीछे पलट कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सुल्तान तक जा पहुंचे। सुल्तान बनने के बाद तो टाइगर का रूप ले लिया। अब पुनर्जन्म होगा सिकंदर का रेस 3 में। वांटेड बनाई थी प्रभु देवा ने, मसाला फिल्म बनाने में वे माहिर हैं। लगा कि जल्द ही सलमान खान के साथ दूसरी फिल्म बनाएंगे, लेकिन कई वर्ष गुजर गए और दोनों ने साथ काम नहीं किया। प्रभु देवा ने कई बार इच्छा जताई कि वे सलमान खान को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर सलमान खान दूसरे प्रोजेक्ट में इतने व्यस्त हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी ही नहीं कर पाए। अब जाकर दोनों साथ काम करने जा रहे हैं। प्रभु देवा और सलमान खान की फिल्म की योजना बन चुकी है, डेट तय होते ही काम शुरू होगा, हालांकि इसमें समय लगेगा। प्रभु देवा ने ये नहीं बताया कि किस तरह की फिल्म होगी, लेकिन अगर मीडिया खबरों की बात माने तो वांटेड 2 हो सकती। एक नई कहानी के साथ इसे पेश किया जा सकता है। वांटेड के निर्माता बोनी कपूर थे और वो भी सलमान खान के साथ लंबे समय से फिल्म बनाना चाह रहे। बोनी को निर्माता बनाकर ये प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। वांटेड तेलुगु फिल्म पोकरी की रिमेक थी। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि वांटेड सलमान के करियर की कमबैक फिल्म थी। उस दौरान सलमान खान की कई फिल्में फ्लॉप हो रही और उनका करियर खत्म माना जा रहा। उसके बाद ही सलमान खान ने प्रभु देवा के साथ इस फिल्म में काम किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और सलमान खान के करियर ने फिर से उड़ान भरी। सलमान खान को लेकर दबंग और दबंग 2 जैसी फिल्म के बाद अब इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म बनाने की चर्चा है। प्रभु देवा ने डेक्कन क्रॉनिकल को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा है वो फिल्म की डिटेल्स को लेकर फाइनल करने के लिए मुंबई गए थे। अब वो ये कह सकते हैं कि सलमान खान और अरबाज खान के साथ फिल्म दबंग 3 बनाएंगे। उन्होंने कहा वो दोनों के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उन्हें ना कहने का सवाल ही नहीं उठता। प्रभु देवा ने फिल्म की डिटेल्स को लेकर भी खुलासा किया। उन्होंने कहा फिल्म में किसी भी चीज को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा, फिल्म की कास्टिंग वही रहेगी। इसके अलावा फिल्म के म्यूजिक के लिए भी साजिद वाजिद की जोड़ी को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा फिल्म में वही बस नया चेहरा है, उनके अलावा सब कुछ वैसे का वैसा ही। दबंग 3 के बाद वांटेड 2 पर काम शुरू होगा, जिसमें राधे के नए अवतार को आज के परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाएगा, क्योंकि समाज को राधे जैसे इंसान की जरूरत है जो बुराई को समाप्त कर सके। आज चारों ओर रेप जैसी घटना आम हो गई। अब बात करते हैं वांटेड फिल्म कैसी, जिसने सलमान खान को फिर से सुपरस्टार बना दिया। सिनेमा घर में अंधेरा होते ही सलमान खान का शो शुरू हो जाता है। सलमान खान की एंट्री होती है एक्शन सीन से। एकदम दीवार के अमिताभ के स्टाइल में सलमान शटर गिराते हैं और उस पर ताला गुंडे लगाते हैं। उसके बाद उन 20-25 आदमियों की सल्लू जोरदार तरीके से धुलाई करते हैं। धांसू एक्शन सीन के तुरंत बाद धांसू गाना। गणेश जी की मूर्ति के सामने सलमान जलवा गाने पर ठुमके लगाते हैं। एक्शन और गाने से निर्देशक ने दिखा दिया कि राधे किस तरह का आदमी है। वो लोगों को गाजर मूली की तरह काटता है और भगवान के आगे सिर झुकाता है। राधे यानी सलमान खान एक शूटर, उसके चमचे उसे ब्रूसली का नाना और रैम्बो का चाचा कहते। तुम जिस स्कूल में पढ़े हो उसका हेडमास्टर मेरे से ट्यूशन लेता है। जैसे घिसे पीटे डायलॉग भी वो बोलता है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन टैरिये उसके भी कुछ उसूल है। औरतों और बच्चों पर वो हाथ नहीं उठाता, जो काम पसंद आता है वही करता है। शराब और खून जब इच्छा हो तब पीता है, और वो भी दबा के। गुटके को मौत का सामान मानता है। एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर वो अपने भी नहीं सुनता। एक्शन के बीच रोमांस भी जरूरी है। इस गुंडे नुमा शख्स के स्टाइल पर लड़कियां मरती हैं, क्योंकि हथियार से वो बहुत अच्छी तरह खेलता है। तुम गुंडे हो लेकिन दिल के अच्छे हो, कहकर इस हत्यारे पर जानवी यानी कि आयशा टकिया फिदा हो जाती है। लेकिन राधे के क्रूर रूप को देख कर वो सिहर उठती। मोटी ताजी जानवी पर दो लोग और फिदा है। अधेड़ उम्र का मकान मालिक यानी मनोज पावा, जो बीच बीच में दर्शकों को हंसाता है, और इंस्पेक्टर तलपदे यानी कि महेश मांजेकर, जिसकी हरकतों पर दर्शकों को गुस्सा आता है। गानी भाई यानी कि प्रकाश राज के लिए राधे काम करता है और उनके दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। गानी भाई के खास आदमी का मर्डर हो जाता है और लड़कियों की कुश्ती देखने के शौकीन गानी भाई विदेश से भारत चले आते हैं। यहाँ आकर उन्हें खास राज मालूम पड़ता है, जिससे उनकी और राधे की दुश्मनी हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट आता है और खून खराबे के पीछे राधे का मकसद क्या है, ये सभी को पता चलता है। तमिल फिल्म पोगरी पर आधारित वांटेड की कहानी धागे जैसी पतली है, उसमें नयापन भी नहीं है। आगे क्या होने वाला है ये सभी को पता रहता है। क्लाइमेक्स के थोड़ा पहले तक कहानी आगे खिसकती भी नहीं है, फिर भी फिल्म में रुचि बनी रहती है, क्योंकि निर्देशक प्रभु देवा ने दृश्यों को असेंबलिंग बहुत ही उम्दा तरीके से किया।
क्योंकि निर्देशक प्रभु देवा ने दृश्यों को बहुत उम्दा तरीके से दर्शाया है। एक्शन, हास और रोमांस का मिश्रण बिल्कुल बराबर मात्रा में किया गया है। साथ ही उन्होंने सलमान खान को बेहतरीन तरीके से पेश किया है। सलमान के ढेर सारे प्रशंसक उन्हें इसी रूप में देखना पसंद करते हैं। सलमान की जो इमेज है वो राधे के किरदार से बिल्कुल मेल खाती है। अक्खड़, थोड़ा बिगड़े लेकिन दिल का हीरा, बेखौफ, लार्जर देन लाइफ सी शख्सियत, अपनी मर्जी से जीने वाला, स्टाइलिश, औरतों की इज्जत करने वाला, लगता ही नहीं कि सलमान खान एक्टिंग कर रहे हैं। पूरी फिल्म में सलमान का प्रभुत्व। सल्लू की हीरोगिरी दिखाने के लिए स्क्रिप्ट की खामियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। सलमान खान के कारण दर्शक उन गलतियों को पचा लेते। सलमान पर सैकड़ों गोलियां चलती हैं और उन्हें खरोंच तक नहीं आती। वांटेड देखते समय दर्शक इन बातों की परवाह नहीं करते क्योंकि उनके हीरो को गोली छू भी नहीं सकती। एक्शन इस फिल्म का प्रमुख आकर्षण। कई एक्शन स्टंट बेहतरीन बन पड़े हैं, जिनमें सलमान की एंट्री वाला सीन, आयशा को ट्रेन में छेड़ने वाले गुंडों की पिटाई वाले सीन और फिल्म का क्लाइमेक्स उल्लेखनीय है। संगीत की बात की जाए तो जलवा और लव मी उम्दा है। हर गाने का फिल्मांकन खूबसूरत लोकेशंस पर भव्य तरीके से पेश किया गया है। तकनीकी रूप से फिल्म सशक्त। आयशा टाकिया ने सलमान का साथ उम्दा तरीके से निभाया। गनी भाई के रूप में प्रकाश राज ने अपनी छाप छोड़ी। पुलिस की गिरफ्त में रहकर उन्होंने खूब हंसाया। महेश मांजरेकर को देख नफरत पैदा होती और यही उनकी कामयाबी है। विनोद खन्ना ने भी अपना प्रभाव छोड़ा। यदि आप एक्शन फिल्म पसंद करते हैं और सलमान खान के प्रशंसक हैं, तो वांटेड आपके लिए तीखे मसालों के साथ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वांटेड तीखे मसालों की तरह है तो वांटेड 2 आज के दौर की सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम की तरह होगी। तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताइए कि वांटेड 2 का कितना इंतजार है आपको। 500 करोड़ी वांटेड 2 में किस स्टार किड्स हीरोइन को बोनी कपूर लॉन्च करना चाहते हैं? वांटेड 2 में सलमान खान को लिया जाएगा या फिर किसी नए स्टार की एंट्री होगी? वांटेड 2 की कहानी क्या है? वांटेड 2 की शूटिंग कब से शुरू होने वाली है? वांटेड 2 में अर्जुन कपूर सलमान खान के लिए क्यों रोड़ा बन गए? वांटेड 2 की स्क्रिप्ट के लिए किस साउथ फिल्म के कॉपीराइट को बोनी कपूर ने खरीदा? वांटेड फिल्म ने कैसे सलमान खान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों फिल्म निर्माता बोनी कपूर लंबे समय से अपनी 2009 की हिट फिल्म वांटेड का सीक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन सलमान खान की हां के इंतजार में वक्त बीतता जा रहा है। अब उन्होंने सलमान का इंतजार न करने का फैसला कर लिया है। पिछले कुछ समय से सीक्वल की चर्चाएं हैं और ये भी कहा गया कि सलमान बोनी को जानबूझकर इंतजार करा रहे हैं। इसकी वजह बोनी के बेटे अर्जुन कपूर हैं, जिनसे सलमान की नाराजगी जग जाहिर है। पिछले दिनों सलमान ने अपनी आने वाली फिल्मों के नाम गिनाए थे और उनमें वांटेड 2 का नाम नहीं लिया। संभवतः यही कारण रहा है कि बोनी ने अब वांटेड 2 के लिए सलमान की जगह दूसरे एक्टर की खोज शुरू कर दी है और टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों वांटेड एक एक्शन फिल्म थी और टाइगर श्रॉफ आज सबसे प्रतिभाशाली एक्शन स्टार के रूप में उभरे हैं। हाल ही में खुद सलमान ने उनकी तारीफ की थी। सूत्रों का कहना है कि बोनी ने निर्देशक प्रभु देवा से मिलकर पिछले दिनों बात की और कहा कि वांटेड के सीक्वल के लिए टाइगर को लिया जा सकता है। और दोस्तों इसके बाद टाइगर से बोनी और उनकी टीम ने बातचीत की। कहा जा रहा है कि बोनी ब्लॉकबस्टर बनी बागी 2 के बाद टाइगर की इमेज को भुनाना चाहते हैं। तय है कि अगर टाइगर वांटेड 2 में आते हैं तो इससे फिल्म को फायदा होगा। बोनी के करीबी सूत्र कह रहे हैं कि वांटेड 2 के लिए उनके पास बढ़िया कहानी है और टाइगर ने स्क्रिप्ट सुनने के लिए हाँ भी कह दी है। बोनी फिल्म की भागदौड़ पहले ही प्रभुदेवा को सौंप चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 2009 में वांटेड ने ही सलमान को उस वक्त चल रहे उनके खराब दौर से उभारा था और इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूत्रों के मुताबिक टाइगर ने हाँ की तो वो 2019 में ही वांटेड 2 के लिए समय दे पाएंगे। उधर प्रभुदेवा भी इन दिनों सलमान की दबंग 3 की प्री प्रोडक्शन में व्यस्त है। दोस्तों वांटेड 2009 में आई क्राइम एक्शन हिंदी फिल्म है जो डायरेक्टर प्रभुदेवा द्वारा फिल्माई गई है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजरेकर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस अफसर की भूमिका निभाई है और ये फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है। दोस्तों ये फिल्म 18 सितंबर 2009 को रिलीज हुई थी और जिसने रिलीज होने के साथ बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और वो भी सलमान खान के वापसी होने पर। दोस्तों वांटेड वर्ष 2009 की बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी ग्रॉसिंग फिल्म थी। राधे एक गैंगस्टर होता है जिसका अतीत एक रहस्यमय है।
जो रुपयों के लिए लोगों की जान लेता है, और वो जानवी से उस दौरान मिलता है जब वो फिट रहने के लिए फिटनेस सेंटर पर ट्रेनिंग कर रही थी, और राधे को उसी क्षण जानवी से प्यार हो गया। दोस्तों, राधे और जानवी की पहली मुलाकात ने जानवी को राधे के बारे में नकारात्मक बना दिया, लेकिन बाद में वो राधे की भावनाओं की कद्र करने लगी। दूसरी ओर इंस्पेक्टर तलपड़े, एक स्वार्थी और विकृत इंस्पेक्टर, उसने जानवी की माँ से जानवी की शादी खुद से करने को कहा, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर वो उसके विरुद्ध गई तो वो उसका बलात्कार करेगा और फिर वो अदालत कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस कर रह जाएगी। वहीं दूसरी ओर तलपड़े ने जानवी के बॉयफ्रेंड पर ध्यान रखने के लिए जानवी के मकान मालिक को कहा। तलपड़े राधे को धमकी देने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसे राधे की हकीकत का पता चलने पर राधे से डर लगने लगता है। दोस्तों, वहीं गनी भाई यानी कि प्रकाश राज, एक इंटरनेशनल डॉन, भारत एक हत्या करने के लिए आता है और राधे को अपने पुराने विश्वसनीय राइट हैंड की जगह दे देता है। दो गैग दत्ता पावले और गन्नी भाई मुंबई का सबसे बड़ा हिस्सा बनने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, और इस वजह से पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान मुंबई को क्राइम से मुक्त बनाने का निर्णय करता है, और पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेता है। दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। राधे एक कातिल है जिसको हिंसा और मारपीट के अलावा कुछ नहीं आता। उसको जानवी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन एक इंस्पेक्टर जानवी पर शादी के लिए दबाव डालता है, और इस मुसीबत से निपटने के लिए राधे के पास एक नई योजना है। क्या वो अपनी योजना के मुताबिक जानवी को इंस्पेक्टर से बचा पाएगा? दोस्तों, ये तो हो गया इस फिल्म का इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। दोस्तों, इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 5,01,00,000 रुपए रहा। वहीं पहले वीकेंड का कलेक्शन 15,54,00,000 रहा। वहीं अपने पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 33,63,00,000 का कलेक्शन किया, और इस फिल्म ने भारत में कमाई की 60 करोड़ की, वहीं दुनिया भर की कमाई 93 करोड़ की रही। दोस्तों, वांटेड सलमान खान के करियर की हिट फिल्मों में से एक है, और इस फिल्म को दर्शकों ने बेहद पसंद किया, जिस कारण अपने ओपनिंग वीकेंड पर ही फिल्म ने 15 करोड़ रुपए कमा लिए थे। सप्ताह के बाकी दिनों में भी फिल्म की कलेक्शन में जरा फर्क नहीं पड़ा, और एक सप्ताह खत्म होने पर फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा तक की कमाई कर ली। दूसरे सप्ताह में भी फिल्म की कलेक्शन में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, और सिनेमा घरों से फिल्म ने अच्छा लाभ कमाया। वांटेड फिल्म विदेशी दर्शकों को भी बहुत पसंद आई, जिस कारण फिल्म ने विदेश में भी आशा के अनुरूप कमाई की। दोस्तों, वांटेड फिल्म ने सलमान खान के करियर को एक नई उड़ान दी थी, जिसके बाद उन्होंने दबंग, किक, रेडी जैसी एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। दोस्तों, बात करते हैं सलमान खान के वो 20 चर्चित डायलॉग्स की, जिससे थिएटर में तालियां और सीटियां गूंज उठती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले डायलॉग से, सलमान खान की गर्व फिल्म से ये डायलॉग। मुकदमा सबूतों और गवाहों से लड़ा जाता है, भाषणबाजियों, नौटंकी और तमाशों से नहीं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले डायलॉग की ओर, सलमान खान की वांटेड फिल्म से ये डायलॉग, जो बड़ा ही फेमस हुआ। एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। दोस्तों, तीसरा डायलॉग आता है उनकी फिल्म तेरे नाम से। मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, एक ही बार बोलता हूँ और फुल एंड फाइनल हो जाता है। दोस्तों, वही उनका बॉडीगार्ड फिल्म से ये डायलॉग, जो बड़ा ही फेमस हुआ। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले डायलॉग की ओर, और उनकी एक था टाइगर फिल्म से ये डायलॉग। साथ चलना होगा जिंदा या मुर्दा। दोस्तों, अगला डायलॉग है उनकी दबंग फिल्म का। There is always a first time, always a next time। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले डायलॉग की ओर, और उनकी बॉडीगार्ड फिल्म से ये डायलॉग। मेरी एक खासियत है कि मैं मारता कम हूँ, घसीटता ज्यादा हूँ। दोस्तों, अगला डायलॉग की बात करें तो दबंग फिल्म का ये बेहतरीन डायलॉग। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लें और पादे कहाँ से। दोस्तों, अगला डायलॉग है उनकी फिल्म मैंने प्यार किया से। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। अगला डायलॉग है उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन से। लोग कहते हैं कि खूबसूरत लड़कियां जब झूठ बोलती हैं तो और भी खूबसूरत लगती हैं। दोस्तों, अगला डायलॉग है उनकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। दोस्तों, अगला डायलॉग है उनकी दबंग फिल्म का हमारा नाम हमारी पर्सनैलिटी को शोभा देता है, चुलबुल पांडे उर्फ रॉबिन हुड पांडे। दोस्तों, अगला डायलॉग है उनकी फिल्म किक से। मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। दोस्तों, उनका अगला डायलॉग है वांटेड फिल्म से।
तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसे के पीछे भागेगी, तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म रेडी से। जिंदगी में तीन चीजें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई मी एंड माई सेल्फ। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन से। जब हम आपसे कुछ पूछना चाहें तो आप हमें रोकती हैं, और जब चुप हो जाएं तो आप हमें टोकती हैं। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म तेरे नाम से। सारी दुनिया प्यार में पड़ी है, सिर्फ एक मुझे ही हक नहीं है कि मैं भी किसी से प्यार कर सकूं, कोई मुझसे प्यार कर सके, क्यों। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म वॉन्टेड का। बहुत घूर रहा है, क्या बहन की शादी कराएगा मुझसे। और उनका वॉन्टेड फिल्म का एक और डायलॉग, शराब और खून मैं अपनी मर्जी से पीता हूँ दबा के। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म जय हो से। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीर फाड़ देगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिल्म से ताल्लुक रखने वाले कुछ खास किस्सों के बारे में। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्रभु देवा ने इस फिल्म के माध्यम से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था, और ईद के मौके पर रिलीज होने वाली सलमान खान की ये पहली हिट फिल्म थी। और दोस्तों फिल्म का गाना मेरा ही जलवा में अनिल कपूर और गोविंदा को गेस्ट अपीयरेंस में देखा गया। वहीं इस फिल्म को बनाने में काफी समय लगा था और रिलीज होने में भी काफी दिक्कतें आई थी। दोस्तों वांटेड फिल्म तमिल फिल्म पोक्किरी की रीमेक है, जिसे भी प्रभु देवा ने ही डायरेक्ट किया था। दोस्तों प्रकाश राज ने इस फिल्म में विलन की भूमिका निभाई है। और क्या आप जानते हैं कि सलमान से पहले ये फिल्म शाहरुख खान को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म का रोल अपने लिए ठीक नहीं समझा था। सलमान खान का फिल्मी सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उनके करियर में कई बार ऐसा समय आया जब लगा कि करियर खत्म होने के कगार पर है। ये बात 2007 की, जब उनकी फिल्म पार्टनर सुपरहिट रही, वे छा गए थे। लेकिन उसके बाद उनकी फिल्मों को लेकर खराब चॉइस की वजह से उनके स्टारडम को खतरा पैदा हो गया, उनकी युवराज भी फ्लॉप हो गई। सलमान खान एक्टर क्यों नहीं बनना चाहते थे? सलमान खान की वांटेड 2 कब शुरू होने वाली? सलमान खान ने जब फिल्मी करियर की शुरुआत की थी तो कितने किलोग्राम के थे? उन्होंने किस फिल्म के लिए दुआ मांगी कि दर्शक उनकी ये फिल्म ना देखे? उनसे किसने कहा कि तुम्हारे साथ जो हमेशा खड़ा रहेगा वो तुम ही हो? वांटेड फिल्म की कहानी क्या है और वांटेड 2 फिल्म की कहानी क्या होगी? सलमान खान का नाम आज बॉलीवुड के सुपर स्टार्स में शामिल है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियाँ सलमान खान के साथ काम करना चाहती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान का सपना एक्टर बनने का नहीं था। अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले सलमान खान पहले निर्देशक बनना चाहते, लेकिन प्रस्तुतियों की वजह से उन्हें एक्टर बनना पड़ा। क्या आप जानते हैं वो कैसे फिल्म जगत से जुड़ गए? इस सवाल का जवाब देते हुए सलमान खान कहते हैं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता, पहले मैं असिस्टेंट था, उसके पहले मैं मॉडलिंग किया करता था। उस वक्त जो फिल्में बनती थी वो मोहल्ले का दादा, पुलिस इंस्पेक्टर, लॉयर, इस तरह के जॉनर की बनती थी। मैं इन फिल्मों में हीरो के लिए फिट ही नहीं था। पहले मैं 48 किलो का हुआ करता था। मैं लोगों के पास अपनी स्क्रिप्ट लेकर जाता था तो लोग बोलते थे, नहीं अभी बहुत यंग हो। सलमान बताते हैं, उसी समय फिल्म बीबी हो तो ऐसी ऑफर हुई, मैंने स्क्रिप्ट को सुनकर मैंने फिल्म साइन कर ली, लेकिन फिल्म में अपना काम देखा तो मैंने दुआएं मांगी कि कोई फिल्म ना देखे। पहली बार कोई ऐसा एक्टर होगा जिसने पहली फिल्म के लिए दुआएं मांगी होगी कि कोई फिल्म ना देखे। इसके बाद फिल्म आई मैंने प्यार किया, और इसके बाद मैंने वापस मुड़कर नहीं देखा। सलमान खान कहते हैं, एक समय ऐसा आया कि मैंने काम छोड़ दिया और पार्टी में बिजी हो गया। एक दिन पापा ने मैंने प्यार किया को देखने के लिए लगी सिनेमा घरों की भीड़ को देखकर फोन किया। मैं उनके रिएक्शन को देखने के लिए उत्साहित, करीब रात के 2:30 बज रहे तभी मेरी माँ कमरे में आई और कहा, तुझे क्या लगता है कि तू स्टार बनेगा? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, आप बताओ। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ लगाया और कहा, तुम्हारे साथ जो हमेशा खड़ा रहेगा वो तुम ही हो और कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये बात 2009 की। सलमान खान बुरे दौर से गुजर रहे, फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, सलमान खान को खत्म मान लिया गया था। इसी बीच एक फिल्म दबे पांव रिलीज हुई, नाम था वांटेड। सोचा भी नहीं था कि किसी ने, और ये फिल्म सुपर हिट हो गई। बस तब से सलमान खान ने पीछे पलटकर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सुल्तान तक जा पहुंचे। सुल्तान बनने के बाद तो टाइगर का रूप ले लिया। वांटेड बनाई थी प्रभु देवा ने, मसाला फिल्म बनाने में वे माहिर है। लगा कि जल्द ही सलमान खान के साथ
दूसरी फिल्म बनाएंगे, लेकिन कई वर्ष गुजर गए और दोनों ने साथ काम नहीं किया। प्रभु देवा ने कई बार इच्छा जताई कि वे सलमान खान को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर सलमान खान दूसरे प्रोजेक्ट में इतने व्यस्त हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी ही नहीं कर पाए। अब जाकर दोनों साथ काम करने जा रहे हैं। प्रभु देवा और सलमान खान की फिल्म की योजना बन चुकी है, डेट तय होते ही काम शुरू होगा, हालांकि इसमें समय लगेगा। प्रभु देवा ने ये नहीं बताया कि किस तरह की फिल्म होगी, लेकिन अगर मीडिया खबरों की बात माने तो वांटेड 2 हो सकती। एक नई कहानी के साथ इसे पेश किया जा सकता है। वांटेड के निर्माता बोनी कपूर थे और वो भी सलमान खान के साथ लंबे समय से फिल्म बनाना चाह रहे। बोनी को निर्माता बनाकर ये प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। वांटेड तेलुगु फिल्म पोकरी की रिमेक थी। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि वांटेड सलमान के करियर की कमबैक फिल्म थी। उस दौरान सलमान खान की कई फिल्में फ्लॉप हो रही और उनका करियर खत्म माना जा रहा। उसके बाद ही सलमान खान ने प्रभु देवा के साथ इस फिल्म में काम किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और सलमान खान के करियर ने फिर से उड़ान भरी। सलमान खान को लेकर दबंग और दबंग 2 जैसी फिल्म के बाद अब इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म बनाने की चर्चा है। प्रभु देवा ने डेक्कन क्रॉनिकल को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा है वो फिल्म की डिटेल्स को लेकर फाइनल करने के लिए मुंबई गए थे। अब वो ये कह सकते हैं कि सलमान खान और अरबाज खान के साथ फिल्म दबंग 3 बनाएंगे। उन्होंने कहा वो दोनों के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उन्हें ना कहने का सवाल ही नहीं उठता। प्रभु देवा ने फिल्म की डिटेल्स को लेकर भी खुलासा किया। उन्होंने कहा फिल्म में किसी भी चीज को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा, फिल्म की कास्टिंग वही रहेगी। इसके अलावा फिल्म के म्यूजिक के लिए भी साजिद वाजिद की जोड़ी को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा फिल्म में वही बस नया चेहरा है, उनके अलावा सब कुछ वैसे का वैसा ही। दबंग 3 के बाद वांटेड 2 पर काम शुरू होगा, जिसमें राधे के नए अवतार को आज के परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाएगा, क्योंकि समाज को राधे जैसे इंसान की जरूरत है जो बुराई को समाप्त कर सके। आज चारों ओर रेप जैसी घटना आम हो गई। अब बात करते हैं वांटेड फिल्म कैसी थी, जिसने सलमान खान को फिर से सुपरस्टार बना दिया। सिनेमा घर में अंधेरा होते ही सलमान खान का शो शुरू हो जाता है। सलमान खान की एंट्री होती है एक्शन सीन से। एकदम दीवार के अमिताभ के स्टाइल में सलमान शटर गिराते हैं और उस पर ताला गुंडे लगाते हैं। उसके बाद उन 20-25 आदमियों की सल्लू जोरदार तरीके से धुलाई करते हैं। धांसू एक्शन सीन के तुरंत बाद धांसू गाना। गणेश जी की मूर्ति के सामने सलमान जलवा गाने पर ठुमके लगाते हैं। एक्शन और गाने से निर्देशक ने दिखा दिया कि राधे किस तरह का आदमी है। वो लोगों को गाजर मूली की तरह काटता है और भगवान के आगे सिर झुकाता है। राधे यानी सलमान खान एक शूटर, उसके चमचे उसे ब्रूसली का नाना और रैम्बो का चाचा कहते हैं। तुम जिस स्कूल में पढ़े हो उसका हेडमास्टर मेरे से ट्यूशन लेता है, जैसे घिसे पीटे डायलॉग भी वो बोलता है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन टैरिये उसके भी कुछ उसूल है। औरतों और बच्चों पर वो हाथ नहीं उठाता, जो काम पसंद आता है वही करता है। शराब और खून जब इच्छा हो तब पीता है, और वो भी दबा के। गुटके को मौत का सामान मानता है, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर वो अपने भी नहीं सुनता। एक्शन के बीच रोमांस भी जरूरी है। इस गुंडे नुमा शख्स के स्टाइल पर लड़कियां मरती हैं, क्योंकि हथियार से वो बहुत अच्छी तरह खेलता है। तुम गुंडे हो लेकिन दिल के अच्छे हो, कहकर इस हत्यारे पर जानवी यानी कि आयशा टकिया फिदा हो जाती है। लेकिन राधे के क्रूर रूप को देखकर वो सिहर उठती। मोटी ताजी जानवी पर दो लोग और फिदा है, अधेड़ उम्र का मकान मालिक यानी मनोज पावा, जो बीच बीच में दर्शकों को हंसाता है, और इंस्पेक्टर तलपदे यानी कि महेश मांजेकर, जिसकी हरकतों पर दर्शकों को गुस्सा आता है। गानी भाई यानी कि प्रकाश राज के लिए राधे काम करता है और उनके दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। गानी भाई के खास आदमी का मर्डर हो जाता है और लड़कियों की कुश्ती देखने के शौकीन गानी भाई विदेश से भारत चले आते हैं। यहाँ आकर उन्हें खास राज मालूम पड़ता है, जिससे उनकी और राधे की दुश्मनी हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट आता है और खून खराबे के पीछे राधे का मकसद क्या है, ये सभी को पता चलता है। तमिल फिल्म पोगरी पर आधारित वांटेड की कहानी धागे जैसी पतली है, उसमें नयापन भी नहीं है। आगे क्या होने वाला है ये सभी को पता रहता है। क्लाइमेक्स के थोड़ा पहले तक कहानी आगे खिसकती भी नहीं है, फिर भी फिल्म में रुचि बनी रहती है, क्योंकि निर्देशक प्रभु देवा ने दृश्यों को असेंबलिंग बहुत ही उम्दा तरीके से किया है। दर्शाया है एक्शन, हास्य और रोमांस का मिश्रण बिल्कुल बराबर मात्रा में किया गया है। साथ ही उन्होंने सलमान खान को बेहतरीन तरीके से पेश किया है। सलमान के ढेर सारे प्रशंसक उन्हें इसी रूप में देखना पसंद करते। सलमान की जो इमेज है वो राधे के किरदार से बिल्कुल मेल खाती है। अखर थोड़ा बिगड़े लेकिन दिल का हीरा, बेखौफ, लार्जर देन लाइफ सी शख्सियत, अपनी मर्जी से जीने वाला, स्टाइलिश, औरतों की इज्जत करने वाला। लगता ही नहीं कि सलमान खान एक्टिंग कर रहे हैं। पूरी फिल्म में सलमान का प्रभुत्व है।
सल्लू की हीरोगिरी दिखाने के लिए स्क्रिप्ट की खामियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। सलमान खान के कारण दर्शक उन गलतियों को पचा लेते। सलमान पर सैकड़ों गोलियां चलती हैं और उन्हें खरोंच तक नहीं आती। वांटेड देखते समय दर्शक इन बातों की परवाह नहीं करते क्योंकि उनके हीरो को गोली छू भी नहीं सकती। एक्शन इस फिल्म का प्रमुख आकर्षण। कई एक्शन स्टंट बेहतरीन बन पड़े हैं, जिनमें सलमान की एंट्री वाला सीन, आयशा को ट्रेन में छेड़ने वाले गुंडों की पिटाई वाले सीन और फिल्म का क्लाइमेक्स उल्लेखनीय है। संगीत की बात की जाए तो जलवा और लव मी उम्दा है। हर गाने का फिल्मांकन खूबसूरत लोकेशन पर भव्य तरीके से पेश किया गया है। तकनीकी रूप से फिल्म सशक्त। आयशा टाकिया ने सलमान का साथ उम्दा तरीके से निभाया। गनी भाई के रूप में प्रकाश राज ने अपनी छाप छोड़ी। पुलिस की गिरफ्त में रहकर उन्होंने खूब हंसाया। महेश मांजरेकर को देख नफरत पैदा होती और यही उनकी कामयाबी है। विनोद खन्ना ने भी अपना प्रभाव छोड़ा। यदि आप एक्शन फिल्म पसंद करते हैं और सलमान खान के प्रशंसक हैं, तो वांटेड आपके लिए तीखे मसालों के साथ, तो वांटेड 2 आज के दौर की सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम की तरह होगी। तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताइए कि वांटेड 2 का कितना इंतजार